इसमें से कुछ लोग शायद पहले अगर क्लास किए हैं, अगर दोनों डेमो कर चुके हैं क्लास तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप एग्जिट हो जाइए, है ना। जो नहीं किए हैं वही रहिए, है ना। एक ही क्लास बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। जो क्लास नहीं किए हैं, जो पहली बार आए हैं, ठीक है, मैं इसको पहले से ही स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट क्लास से ही। ये एक्चुअल में क्या बताएं, इसे दूसरा क्लास माना जाए, है ना। एक्चुअल में ये तीसरा है लेकिन दूसरा माना जाए, लेकिन इसमें बहुत सारे नए आए हैं तो मैं इसको पहला लेके चल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट क्लास ही लेके चल रहा हूँ। और क्योंकि बहुत सारे नए आए हैं, है ना, तो इसको मैं फर्स्ट क्लास ही लेके चल। आप लोग दो कर चुके हैं तो कोई फ़ायदा नहीं इस वक्त करने से। हाँ नहीं तो आप तो कर चुके हैं तो छोड़ दीजिए, फिर से वहीं से स्टार्ट होगा, इसलिए आपको मतलब नहीं है ना दोबारा क्लास करने से। आप एग्जिट हो जाइए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, पढ़िए जाके। तो जो नए हैं और या जो एक ही क्लास किए थे वही रुकिएगा, ठीक है, बाकी जा सकते हैं। जो एकदम नया है जान लीजिए कि मेरा नाम अनंत कुमार है, ठीक है, मैं BFG में हूँ, मेडिकल फैक्ट्री जबलपुर में, नॉन टेक्निकल चार्जमैन हूँ स्टोर में, ठीक है। फिलहाल मैं डिस्पोजर प्रोसीजर देख रहा हूँ। देखिए आपको इस क्लास में ना मैं जो पढ़ाऊँगा, जो सब्जेक्ट हैं, तो अपने सारे अपने अपने मोबाइल को लैंडस्केप में रखिएगा, है ना। लैंडस्केप का मतलब है ये, है ना, ऐसे रखिएगा, ऐसे नहीं रखिएगा, ऐसे रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो बोर्ड है वो क्लियर दिखेगा, जो बोर्ड दिख रहा है ना वो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर, ऑडियो सही आ रही है ना, कोई एनीवन बता दीजिए, है ना, ऑडियोबल, ठीक ठीक है, बंद कर लीजिए, है ना। स्टोर प्रोसीजर, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको फैक्ट्री अकाउंट, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे GK। GK में क्या पढ़ना है, है ना, चलिए बाद में बताता हूँ, पहले GK, उसके बाद करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, और मटेरियल मैनेजमेंट के पहले एक्चुअली में GK के बाद हम लोग लेबर अकाउंट पढ़ाएंगे, ठीक है, ये सीरियल वाइज इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल स्टोर प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, फैक्ट्री अकाउंट पढ़ेंगे, उस पर GK पढ़ेंगे, उस पर लेबर अकाउंट पढ़ेंगे, ठीक है, उस पर मेटेरियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद ऑफिस प्रोसीजर पढ़ेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ना? एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप कहते हैं OPA, इसमें से जो भी टेक्निकल हैं, टेक्निकल मतलब चाहे आप मैकेनिकल दे रहे हो, मटेरियल दे रहे हो, आप
केमिकल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आपको ये तीन चीज़ें जो हैं कॉमन रहेंगी, एलिजिबल रहेंगे। ये नॉन टेक्निकल वाले को भी आते हैं, आपको भी आएंगे। स्टेट प्रोसीजर फैक्ट्री अकाउंट GK, दैट मीन FASP, ठीक है। हाँ ठीक है, सबको समान आएंगे, तो सबको ये सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन है। अब यहाँ से निकल जाएंगे टेक्निकल वाले, ठीक है। टेक्निकल वाले का मैं ट्रेड नहीं पढ़ाऊँगा, है ना। आपका मेट्रोलॉजी है, मैकेनिकल है, जनरल, ये सब नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए बार बार पूछिएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो नहीं पढ़ाऊँगा मैं। आपके टेक्निकल का नॉन टेक्निकल पार्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद आता है लेबर अकाउंट। इसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे नॉन टेक्निकल वाले के, चाहे स्टोर दे रहे हो, चाहे आप OPA दे रहे हो। मेरा एक सजेशन है, मानना है कि जो ये पढ़ते हैं FASP और GK टेक्निकल वाले, उनको ये लेबर अकाउंट भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन उठा के प्रीवियस 3 ईयर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि लेबर अकाउंट से भी क्वेश्चन रहते हैं, लेबर अकाउंट से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो आप चाहें तो इस लेबर अकाउंट को भी पढ़ सकते हैं, है ना। अब पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा है, तो लेबर अकाउंट अभी से ऐड कर सकते हैं टेक्निकल वाले, ठीक है, अगर आपके पास समय है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो एक एक नंबर है, बहुत आपके इतना कंपटीशन है ना, इतना मतलब हार्ड है कि आप एक एक नंबर आपका जो ना बहुत मायने रखता है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो लेबर अकाउंट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चाहे आप एक क्लास ज्वाइन करें या ना करें अलग बात है, लेकिन आप, मेरा सजेशन है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा, लेबर अकाउंट पढ़ लीजिएगा ज़रूर, ठीक है, आपके फायदे में जाएगा। आते हैं GK की बात, ना म्यूट कर लीजिए आशीष जी, है ना। GK की बात आते हैं। GK में आपका जो ट्रेडिशनल है उसमें से पॉलिटी है, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से आपको जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आर्टिकल्स रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रहेंगे, आर्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, ये सब रहेंगे। उसके बाद 5 ईयर प्लान आते हैं, इसमें 5 ईयर प्लान रहेगा, करंट रहेगा आपका GK, करंट GK रहेगा। और जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगा आपका एक्ट, 4 तरह के एक्ट हैं, फैक्ट्री एक्ट, डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, कंपनसेशन एक्ट, तो 4 तरह के एक्ट हैं। तो आपका ये जो एक्ट है ये लगभग आपका 60%, 50-60% ये कवर करता है एक्ट, है ना। उसके बाद आपका कवर करता है ये, इसमें एक और चीज़ आता है GK में, वो है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार भी आप लोग देखे होंगे कि इससे क्वेश्चन आते थे, जैसे इसमें इन्वायरमेंट एक्ट 1986, म्यूट कर लीजिए, अंजलि जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, 1986, ठीक है। सिक्स आता है। और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपका, जैसे पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन से आएगा, और पॉपुलेशन से, दो चीज़ें हैं, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, इन सारे चीज़ों से आता है। तो आप
पोल्यूशन यहाँ से पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पोल्यूशन पढ़ेंगे, वो एक्ट पढ़ लेंगे 1986, और इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ चैप्टर पढ़ लेंगे। आपको पॉपुलेशन से पढ़ना है, पिछले बार भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में, करीब 3 क्वेश्चन आए थे इससे पॉपुलेशन से। तो ये कहाँ मिलेंगे, तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, ये खुद पढ़ना पड़ेगा आपको। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बुक आता है मार्केट में, मिलता है ढेर सारा मिलता है, वहाँ पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। एक्ट में ये पढ़ाऊँगा आपको, ये जो 4 एक्ट हैं ये मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसके कोई चिंता की बात नहीं है, ये मैं पढ़ाऊँगा पूरा आपको। पॉलिटी 5-ईयर प्लान, करेंट और पॉपुलेशन है ना, ये आप नेट से निकालिए, कहीं से बुक से ढूँढिए, मिल जाएगा, पढ़िए। और एक बुक का रेफरेंस रहता है जिसको आप लोग जानते होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो जो जीके का है ना, इसका बुक का रेफरेंस है एनसीबीटी का जो सिलेबस है, एनसीबीटी का सिलेबस, दैट मीन कि आईटीआई और अप्रेंटिस का जो सिलेबस है उसमें एक सोशल स्टडी का बुक चलता है एनसीबीटी, अगर वो मिल जाए तो उसे पढ़िए, उसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि उसी का रेफरेंस दिया रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया जीके के बाद, आप लोग ये ज़रूर पढ़िएगा, जीके पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि जीके जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बताइए। क्या हो गया, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो जीके ज़रूर पढ़िएगा और करेंट इवेंट ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एक मार्क्स, क्योंकि यहीं पर जो आपका जीके का जो मार्क्स है ना आपको आगे पीछे कर देगा, क्योंकि ये जो आता है किसी है ना, ये मतलब क्या है, आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, पॉलिटी 5-ईयर प्लान, करेंट, ये सब क्या पढ़ पा रहे हैं। आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब इसे पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि आप इसे नहीं पढ़ेंगे, 1 महीने बाद ना कोई नहीं पढ़ता इसे, क्योंकि आप अपने मेन जो स्ट्रीम है उस पर ध्यान लगाएंगे, मेन सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, उसको नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो लेंदी है। अब करेंट को फिक्स तो है नहीं कि यहाँ से आ रहा है, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, इसलिए पढ़ना अभी से शुरू कीजिएगा, ठीक है। जीके अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये सभी जीके। दूसरा रीज़न है कि जीके चूँकि फर्स्ट दिन होता है इसका क्लास, तो अगर आप जीके अच्छे से आपका एग्ज़ाम जा रहा है तो आपका मोरल जो हाई रहेगा, और पहला दिन फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम अगर ख़राब चला गया है ना, तो मोरल डाउन हो जाएगा और आपका सारा सब्जेक्ट का ना कहानी हो जाएगा, समझे। इट मीन्स कि आप जीके अच्छे से करें, जीके पे कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं, जीके समझते हैं कि 10 साल का क्वेश्चन पढ़ लिए जीके बहुत हो गए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, 10 साल का क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होता है जीके में, ठीक है। हाँ एक्ट है कि 10 साल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक्ट का कुछ क्वेश्चन बन जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही एक्ट आए, है ना, एक्ट भी अलग अलग होते हैं, एक्ट के में अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्ट जो हमेशा पूछ रहा है वही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए और पढ़िए, बाकी मैं इसके बाद ये सब पढ़ाऊँगा धीरे धीरे करके, ठीक है। यहाँ तक में अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, बाकी आगे पढ़ते हैं, पढ़ने पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ बोलिए। फैक्ट्री अकाउंट, हाँ हाँ तो आपके लिए FSPG के है फीस में, जब क्लास जब ये लास्ट होगा तो मैं बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, पहले क्लास देख लीजिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो आपका बोर्ड है, इट मीन्स कि OFB बोर्ड जो है वो ख़त्म हो चुका है ना, OFB बोर्ड क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है,
और उसके जगह पे क्या बन गया है, डी ओ ओ बन गया है ना, डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस बन गया है। पहले डीजीएफ हुआ करते थे ना, वो भी नहीं है अब, डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस हो गए हैं। ठीक है, उसके अलावा साथ जब डीपीएससी बना तो इनको हेल्प करने के लिए, इनको चलाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, फील्ड यूनिट्स बनाया, 7 फील्ड यूनिट बने हैं अलग अलग शहरों में, जिसके अंदर 60 डीपीएससी के लिए 7 फील्ड यूनिट बने हैं, जो आपके एचआर मैटर को देखता है। फिलहाल जो आपका एचआर मैटर है वो डीईओ के हाथ में है ना, आपका सीएमडी एमडी के हाथ में एचआर मैटर नहीं है। आपके सर्विस कंडीशन, आपका करियर प्रोग्रेशन, जो ये एलडीसी का एग्ज़ाम है, वो आपके करियर प्रोग्रेशन में एक फास्ट प्रमोशन का तरीका है ना, आपका ये करियर प्रोग्रेशन है ना, इसे डिनाई नहीं कर सकता गवर्नमेंट कभी भी, इसे डिनाई करने के लिए नहीं बोल रही है कि मैं आपका करियर प्रोग्रेशन रोक दूंगा, वो हमेशा कह रही है कि करियर प्रोग्रेशन आपका एज यूजल जारी रहेगा। तो डीआर एग्ज़ाम और डिपार्टमेंट, डीआर एग्ज़ाम मतलब डायरेक्ट एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट जो बाहर से आके आते हैं, और ये जो डिपार्टमेंटल एलडीसी है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल, इस दोनों में है ना बहुत अंतर है, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देयर एंड दिस। ठीक है, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो ये रेगुलर चलता रहेगा, कुछ लोगों का मानना था कि कभी वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन मैं हमेशा बोलता रहता था कि वैकेंसी आएगी, इसको डिनाई नहीं कर रहा है गवर्नमेंट कभी भी, इसीलिए करते करते लड़के आज से नहीं पढ़ रहे हैं है ना, करीब पिछले साल से ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये तीसरा बैच है, पिछले साल से ही पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लड़के किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं है ना, कि जो पिछले 2 साल पहले से ही पढ़ रहे हैं, और हो सकता है कुछ मेरे अभी इस ग्रुप में भी हैं वो, है ना, वो लगातार रिविजन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत ही टफ है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको, यानी 101% आपको देना पड़ेगा। मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन आपको 101% देना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तभी कीजिएगा, तभी ज्वाइन भी कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है करने से, टाइम भी वेस्ट करते हैं, कीजिएगा। ठीक है, तो आपको फिलहाल जो एग्ज़ाम कराएगा वो डीईओ कराएगा। ठीक है, लेकिन फील्ड यूनिट की हेल्प से, और फारसी आपका एग्ज़ाम कराने नहीं जा रहा है, आपका जो एग्ज़ाम होगा एक प्राइवेट कंपनी कराएगी है ना, आपका एग्ज़ाम जो है प्राइवेट कंपनी कराएगी, जिसको टेंडर मिल चुका है वही कराएगी कंपनी। तो आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा मेरे हिसाब से ना, अकॉर्डिंग टू मी, कि आपका 60% क्वेश्चन प्रीवियस पेपर रहेगा, 50-60% एकदम ना प्रीवियस पेपर रहेगा, एज यूजुअल रहेगा। और आपको 40% जो क्वेश्चन है उसमें फाइटिंग है, 50-60% तो सभी बना देंगे, आपका उसी में फाइटिंग है ना, 60% क्वेश्चन में, तो उसमें आपको अचीव करना है। लेकिन अगर इस 50-60% क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर है उसमें अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं, तो ये आपके लिए क्या होगा, सुसाइडल पॉइंट होगा, आपकी आत्मघाती हो जाएगा ना? क्योंकि प्रीवियस पेपर सभी जानते हैं, और उसी पेपर में आप एक क्वेश्चन अगर गलती कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना, सब आगे बढ़ गए, आप एक मार्क्स नीचे चले गए। इसलिए प्रीवियस पेपर का A to Z रहना चाहिए। साथ ही में जरूरी नहीं है कि आप प्रीवियस पेपर में 16 साल का पढ़े है ना, 2001 से लेकर 2020 तक पढ़े, एकदम जरूरी नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो वो प्रीवियस जो 3 साल का क्वेश्चन होता है उसी में से आते हैं, जो आपको कह रहा है, बता रहा है, मैं 20 साल का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, मैं 16 साल का करा दूंगा, कीजिए, आपको करने का मन है, लेकिन मेरे अनुसार वो एकदम बेकार है, फालतू है, इररेलेवेंट है ना। आप सिर्फ 3 साल के क्वेश्चन को उठाइए, 3 साल के क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको याद ना हो। इसलिए 3 साल का क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। अगर इसका आंसर, चूंकि हो सकता है आंसर शीट में गलत है, तो ये होना चाहिए है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर शीट में गलत हैं। आप देखेंगे कि एक ईयर में इसको ये माना, सेकेंड ईयर में तो कुछ और मान लिया, हो सकता है सेकेंड ईयर में उसको सही भी कर लिया, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ये है, इसका जवाब ये होना चाहिए, आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो दे आंसर ये होना चाहिए, आप उसको डिस्कस कर पाएँ। लेकिन 3 साल का, पहले 3 साल काफ़ी है, जरूरी नहीं है कि 16 साल का करें। ठीक है, तो हाँ बताइए। अरे मैं सुन रहा हूँ, बताइए। तो मानना से नहीं, आप देखिए,
अरे मैं बता रहा हूँ, मैं भी तुरंत क्या बोला कि उसने क्या माना ये नहीं देखिए, आप देखिए कि आपके अनुसार एक्चुअल में क्या ये सही है, क्या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है आपके पास सही करने का इसको, है ना, ये सही है। अगर दोनों ईयर में दोनों आपको को लग रहा है कि गलत है और आप सही हैं, तो आप सही हैं, आप सही वाले को नेक्स्ट ईयर में सेम अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे अनुसार कि आप सही वाला कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो थर्ड ईयर में सही हो जाए, वो है ना, वो थर्ड ईयर में हो सकता है जाके सही हो जाए क्वेश्चन, वो तो ऐसा हो सकता है। तो आप पहले ये कंफर्म हो लें कि उस क्वेश्चन का कि आपके पास ऑथोरिटिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, वो एकदम सही है कि नहीं सही है। अगर लेकिन आपको खुद पे भरोसा अगर नहीं है कि वो सही नहीं है, सिर्फ आंसर अगर उसका मानना है ना, तब तो फिर प्रीवियस ईयर का लेके चलिएगा एकदम, जो जस्ट प्रीवियस ईयर है ना। सपोज कीजिए अगर 20 का है तो आप 20 का सही लेके मान चलेंगे, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि उसका आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सही है, वो गलत है, ये होना चाहिए, तो आप ये लेके चलेंगे, ठीक है, ये मेरे अनुसार आप जो सोचें, ठीक है। लेकिन अगर पिछले साल जैसे किसी क्वेश्चन का अगर आपको पता नहीं है ना, कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है ना कुछ ऑथेंटिक मिल रहा है, तब आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को मानेंगे, है ना, एकदम जो लास्ट लास्ट ईयर के वाले मानेंगे, उसके वाले को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग ना स्टोर प्रोसीजर पढ़ाएंगे, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे पहले तो स्टोर क्या है, स्टोर का फंक्शन पढ़ेंगे, स्टोर के कितने ग्रुप होते हैं ये पढ़ेंगे, स्टोर में क्या काम होता है, ठीक है। उसके बाद है स्टोर क्या करता है, रिसीव करता है, इशू करता है, इशू जो करता है वो विद इन फैक्ट्री करता है और आउटर देन फैक्ट्री भी करता है ना, IFD करता है, इंटर फैक्ट्री डिमांड भी करता है, उसका प्रोसीजर होगा। और एक काम करता है और ये डिस्पोजल करता है, डिस्पोजल करता है जो स्क्रैप जनरेट होता है आपके फैक्ट्री में उसे क्या करता है, ये डिस्पोज भी करता है, तो ये काम डिस्पोजल का भी करता है। इसका सबसे बड़ा जो काम है कि फैक्ट्री के मटेरियल को का प्रिजर्वेशन, है ना, प्रिजर्वेशन, आप देखें मैं क्वेश्चन का प्रिजर्वेशन से बहुत अधिक आता है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि मटेरियल रखना तो छोटी बात है, उससे बड़ी बात है प्रिजर्वेशन करना, है ना। आप सपोज अपने घर में देखिए, आप चाहें तो एक दिन में, आपके पास पैसे हैं तो एक दिन में आप सारा ग्रोसरी ये वो सब ला के रख सकते हैं ना, चाहें तो आप एक साल का ग्रोसरी एक दिन में लेकर रख सकते हैं, लेकिन क्या आप लाते हैं, नहीं लाते हैं, क्योंकि उसको प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है आपके लिए, है ना। आप सपोज कीजिए फ्लोर है, आटा है, वो आप एक साल के लिए लाते हैं एक दिन क्या, नहीं लाते हैं, क्योंकि उसको प्रिजर्व करना एक साल मुश्किल है, वो ख़राब हो जाता है ना। तो उसी तरह से मटेरियल को फैक्ट्री में लाना ईजी है रादर देन कि उसे प्रिजर्व करके रखना उस ताकि वो ख़राब ना हो, तो ये बहुत बड़ा स्टोर का फंक्शन है प्रिजर्वेशन। दूसरा है मटेरियल हैंडलिंग, है ना, मटेरियल को हैंडल करना, देखिए हमेशा पैकेजों में लिखा रहता है हैंडल विद केयर, है ना, अगर आप केयर से हैंडल नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वेयर एंड टेयर होगा, टूटेगा फूटेगा खराब होगा। साथ ही में मटेरियल को प्रोवाइड कराना कहाँ तक, अल्टीमेटली प्रोडक्शन शॉप तक, प्लीज बी म्यूटेड, है ना, प्रोडक्शन शॉप तक उसे प्रोवाइड कराना, स्टोर का काम है प्रोडक्शन को देना और सेफली देना। तो उसके लिए क्या होते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो आपको ये इक्विपमेंट्स पढ़ना अक्सर हर एक बार हर एक साल, है ना, एवरी एंड ईच क्वेश्चन आते हैं क्या, मटेरियलिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स से, है ना। तो इसमें भी कुछ काम मैं करके दूंगा, कुछ काम आपको भी करना है ना, मैं टोटल इस भुलावा में आपको नहीं रखूंगा कि मैं सब काम मैं ही कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो मेरा काम का ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये करना है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम पढ़ना है ना, मैक्सिमम पढ़ना है, थोड़ा नेट का भी सहारा लेना है, नेट से भी पढ़ना है थोड़ा बहुत आपको, ठीक है। और मेरा ये कोशिश है कि जो आपको मैं अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इसमें से तो वो कंप्लीट है
है ना। आपको इसके अलावा किसी नोट्स वोट्स ये वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी का फालतू नोट्स मत पढ़िए, मिसगाइड मत होइए, ठीक है। सही पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए। ऑथेंटिक कहने का मतलब है कि किसी के अपने मन से लिखा हुआ नहीं पढ़िएगा, है ना। किसी ने अपने मन से लिख दिया है, जैसे एक है हमारे प्रवास श्रीवास्तव सर, तो उन्होंने मन से लिखा है, तो मन से नहीं पढ़िएगा, मन वाला, है ना। क्योंकि जो आपको जो एग्ज़ाम होता है वो प्रैक्टिकली यानी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है, थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। फैक्ट्री में जो काम होते हैं वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, है ना। लेकिन दोनों डिफरेंट है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में ह्यूज डिफरेंस है। आप देखेंगे, अगर मैं आगे बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा स्टोर में, कितना डिफरेंस है प्रैक्टिकल में थ्योरेटिकल में। एक जिसके पास प्रैक्टिकल सिर्फ नॉलेज है, वो सिर्फ काम किया है, तो उसे पूछ लीजिएगा तो बोलेगा नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ प्रैक्टिकल पता है कि ये होता है, थ्योरेटिकल उसे पता नहीं है कि एक्चुअल में जो मैनुअल है या जो प्रोसीजर है ये है। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? प्रोसीजर से आते हैं, मैनुअल से आते हैं, आपको प्रैक्टिकल से नहीं आता है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल से क्वेश्चन नहीं आता है, आपको थ्योरेटिकल से आता है। तो आपको क्या पढ़ना है? थ्योरेटिकल पढ़ना है। देखिए, मैंने भी जो नोट्स बनाया है, जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मत समझिए कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है ना, जिसका कि लेटर है, जिस डॉक्यूमेंट का लेटर है, जिसका मैनुअल है, जिसका यानी ऑथेंटिकेशन है कि एक्चुअल में ये है, तो मैं वही बताऊंगा। फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा कि ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, को मतलब नहीं है उसे पढ़ने से, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, आपको काम नहीं जाके फिलहाल करना है, ठीक है। ये बात तो इसलिए प्लीज़ कंपेयर मत कीजिएगा कि उनके सर उनके नोट्स में ऐसा लिखा है, उनके एड्स में नहीं ऐसा लिखा है। अनेबल टू हियर ऑडियो, है ना, इसलिए आपका ऑडियो नहीं हो रहा है कि आपने सही से किया ही नहीं है ना। हाँ नहीं, आपको आ रहा है, एक एक पार्टिसिपेंट को नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था, वो उसको टैप ही नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया था ना उस वीडियो में कि लास्ट में आपको उसको टैप करना, अगर टैप नहीं करेंगे तो ना मेरा आवाज़ ना आपका आवाज़, किसी का नहीं आवाज़। तो एक्चुअल में वीडियो भी पूरा नहीं देख पाते हैं, इतना टाइम ही नहीं है लोगों के पास, क्या करें। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है। देखिए, स्टोर में एक दो वर्ड हैं, एक हैं स्टोर और एक हैं स्टोर्स, ठीक है। एक है स्टोर, एक स्टोर्स। आप जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस है। एक स्टोर्स का मतलब होता है, ये जो स्टोर है ना, स्टोर का मतलब होता है प्लेस, और ये जो स्टोर्स का मतलब होता है थिंग्स, आइटम, सामान, वस्तुएं, आर्टिकल्स। और इस स्टोर का मतलब होता है प्लेस, इसका मतलब होता है प्लेस, जहाँ पर कि सामानों को स्टोर करके रखा जाता है ना, पाइल बना के, ढेर बना के। अब जैसे रखें, समझे, ये हो गया स्टोर, हो गया आपका, ठीक है। देखें,
तो ये समझिए कि इस दोनों इसलिए पूरे स्टोर प्रोसीजर में स्टोर्स ये दो वर्ड आते रहेगा। तो जब भी स्टोर से आएगा तो आप समझेंगे कि क्या मतलब है उसका, आइटम है और स्टोर का मतलब स्टोर होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में स्टोर जो है ना तीन तरीकों में, तीन भागों में या तीन डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं कि वर्किंग ऑफ स्टोर जो है ये क्या है। तो स्टोर के तीन पार्ट्स हैं मेनली, जो ब्रॉडली हैं तीन पार्ट्स है ना, स्टोर है थ्री पार्ट्स। क्या क्या हैं? आपका जो पहला है स्टोर रिसीप्ट ग्रुप होगा, ठीक है। और दूसरा जो होगा आपका स्टोर स्टॉक ग्रुप, और तीसरा जो होगा आपका स्टोर स्टोर इशू ग्रुप, ठीक है। ब्रॉडली पूरा स्टोर का जो फंक्शन होता है इसी तीन अलग डिपार्टमेंट से होता है। रिसिप्ट का काम है मटेरियल को रिसिप्ट करना, स्टोर का काम है इसको स्टॉक करना, और इशू का काम है उसे इशू कर देना, ठीक है, मटेरियल को इशू कर देना। तो अब इसे मैं एक ओवरव्यू में समझाता हूँ, ठीक है, एक ही बार समझाऊँगा, ये बाकी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसे अगर एक ओवरव्यू में समझें तो इस प्रकार समझ सकते हैं, जो कि स्टोर नहीं जानते हैं एकदम उसके लिए है ये, जो जानते हैं तो फिर अलग बात है, ठीक है। चूँकि स्टोर का ज़रूरत क्यों है, स्टोर का ज़रूरत क्यों है, आपके घर में स्टोर रूम की क्यों ज़रूरत होती है? इसलिए ज़रूरत होती है ताकि आप सामान, आप कुछ मटेरियल जो परचेज करते हैं या तो एक्सेस होता है या तो अपने फ्यूचर यूज के लिए आप उसे रखते हैं परचेज करके। तो फैक्ट्री भी क्या है, अपने फ्यूचर यूज के लिए इनपुट मटेरियल का प्रोक्यूरमेंट करता है, या तो इनपुट मटेरियल होगा या तो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। फैक्ट्री में दो तरह के मटेरियल, ब्रॉडली दो तरह के मटेरियल होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्ट मटेरियल होते हैं मतलब जो कि फाइनल प्रोडक्ट का एक पार्ट होता है, जिसे आप यानी एंड प्रोडक्ट मतलब अंतिम उत्पाद को बनाते हैं आपके फैक्ट्री में। अगर गन बनता है तो गन बना रहे हैं, व्हीकल बनता है तो व्हीकल बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। और उसके हेल्प के लिए, मटेरियल के प्रोडक्शन के हेल्प के लिए जो आप मटेरियल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि आप कोई मशीन का पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स खरीद रहे हैं, तो स्पेयर पार्ट्स खरीद रहे हैं मतलब कि आप मशीन चला रहे हैं तो उससे कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मशीन तो नहीं ना प्रोडक्ट हो गया आपका, आप उससे हेल्प कर रहे हैं बना रहे हैं, तो वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक। आगे पढ़ेंगे तो इन जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल होता है, और जिसको आप अपने एंड प्रोडक्ट में यूज कर रहे होते हैं, म्यूट कर लीजिए, क्या बात है बताइए, सभी क्लास में हैं, सब बच्चे नहीं हैं आप लोग, बड़े हैं, ठीक है। तो जो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है उसे इनपुट मटेरियल भी कहा जाता है, इनपुट मटेरियल, ठीक है, वो इनपुट मटेरियल है। तो कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, चाहे वो प्राइवेट हो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, है ना, कुछ जो प्रोडक्शन का, जो अपना एंड प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है, मतलब अपने घर में बनाता है, और कुछ हिस्सा जो है वो बाहर से खरीद के लाता है। सपोज कीजिए, हमारी कंपनी तो अलग बात है, सपोज कीजिए कि अगर कोई जैसे टाटा है, फोर्ड है ना, महिंद्रा है, ये जो कंपनी गाड़ियां बनाती हैं, आपको क्या लगता है टोटल 100% वो अपने प्रोडक्ट का जो है क्या इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है, मतलब घर में बनाता है? नहीं बनाता है। वो टायर देखिए, आप देखेंगे उसमें सीएट का लगा होगा, MRF का लगा होगा, इंजन देखिए महिंद्रा का, किसी और कंपनी का, हॉप का है, है ना। तो मतलब क्या है कि वो अपने सारे प्रोडक्ट को खुद से नहीं बनाता है ना, अपने एंड प्रोडक्ट का सारा प्रोडक्ट जो उसमें लगने वाला है असेंबल में, वो सारा खुद से नहीं बनाता है, बाहर से ट्रेड से वो परचेज करके भी लाता है और अपने यहाँ क्या कर देता है, असेंबल कर देता है। अब
अलग अलग कंपनियों पे डिपेंड करता है कि कितना परसेंट वो इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहा है, कितना वो ट्रेड से परचेज कर रहा है, मतलब उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग करना, आउटसोर्स करना। हमारी फैक्ट्रियाँ या ऑर्डनेंस फैक्ट्री जो है इन हाउस मैन्युफैक्चर कम कर दिया है, ये तो है ना ऑब्वियस बात है, आप सब जानते हैं कि इन हाउस मैन्युफैक्चर करना कम कर दिया है ना, और आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया है अधिक। हमारे खुद की हमारी जो फैक्ट्री VFJ हैं, इसमें मैं कहूँ तो 20% ही हम लोग इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, 80% खरीद के लाते हैं हम लोग, है ना। हमारा फैक्ट्री बहुत गरीब है इस मामले में, इन हाउस मैन्युफैक्चर के मामले में, है ना। उस 80% खरीद के लाती है, आउटसोर्स करके लाती है, यहाँ पर असेंबल कर देती है, इसलिए कॉस्ट हमारा जो हाई हो जाता है। ठीक है, असेंबल करके यहाँ लाया और उसको असेंबल कर देता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें खरीदना पड़ता है मटेरियल। तो अब जब हम इनपुट मटेरियल, इसी को कहते हैं इनपुट मटेरियल, है ना। जैसे हमारी गाड़ियाँ फैक्ट्री जो गाड़ियाँ बनाती है, व्हीकल्स बनाती है, तो जैसे टायर हम खरीद के लाते हैं, इंजन खरीद के लाते हैं, कुछ गाड़ियों को तो चेचीज वेचीज ये सब कुछ खरीद के लाते हैं, हम लोग सिर्फ असेंबल करते हैं। लेकिन एक व्हीकल बनाते हैं हम लोग, MPV माइन ट्यूब व्हीकल, जिसमें कि हम लोग बॉडी बनाते हैं, इंजन खरीद के लाते हैं, उसमें लगने वाले अटैचमेंट्स जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो खरीद के लाते हैं ना, परचेज करके मतलब आउटसोर्स करके लाते हैं, और बाकी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आउटसोर्सिंग अधिक हो गया। तो अब क्या नहीं, इन सारे मटेरियल को हमको खरीद के लाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो जिसके लिए स्टोर की ज़रूरत पड़ती है। एक समय में हमारा VFJ का स्टोर जो था वो 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्री में सबसे बड़ा था, और एक समय ऐसा भी था कि एशिया में किसी भी कंपनी के पास, प्राइवेट कंपनी के पास इतना बड़ा स्टोर का स्ट्रक्चर नहीं था जितना कि व्हीकल फैक्ट्री में है स्ट्रक्चर, है ना, किसी के पास नहीं था। एक समय में 1400 एम्प्लॉय काम करते थे सिर्फ स्टोर में, तो वो अलग बात है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टोर पढ़ेंगे कि क्या एक्चुअल में अब क्या होता है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं भूल गया था, पहले ही बताना था मुझे कि आप लोग में क्वेश्चन होगा कि फैक्ट्री अकाउंट में क्या चेंजेज होंगे, है ना, क्वेश्चन होगा मन में कि फैक्ट्री अकाउंट में क्या चेंजेज होंगे, क्या चेंज होने वाले हैं, लेटर भी देखे होंगे अब, तो फैक्ट्री अकाउंट चेंज होने वाला है ना। लेकिन आपके सिलेबस में चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा कि आपके सिलेबस में फैक्ट्री अकाउंट चेंज नहीं होगा। और जो चेंज होने वाला है उससे आपका क्वेश्चन नहीं आता है। कैसे आता है, अब जानते होंगे कि LAO लोकल अकाउंट ऑफिस ख़त्म हो गया, आपका जो ये LAO था ये क्या हो गया, चला गया, CGDA के अंदर में था, लोकल अकाउंट ऑफिस ख़त्म हो गया। जब लोकल अकाउंट ऑफिस ख़त्म हुआ तो क्या बन गया आपके यहाँ, आपके यहाँ बन गया F&A, है ना, इसको कहते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन बन गया आपके यहाँ। जब ये फाइनेंस अकाउंट सेक्शन बना तो LAO का काम कौन करने लगे, हमारे खुद के एम्प्लॉई करने लगे। मोस्टली जितने भी PSU हैं सब में सेटअप जो है यही सेटअप है कि उनके जो फाइनेंस के काम करते हैं वो खुद करता है। ठीक, इस तरह से उसका कॉस्ट कटिंग हो जाता है, क्योंकि ये LO जो है इसका पूरा खर्च हम लोग करते थे, इसका कॉस्टिंग हम लोग करते थे, है ना, हम लोग बियर करते थे, हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता था। ठीक है, यहाँ चला गया। एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रोसीजर, है ना। जैसे स्टोर प्रोसीजर पढ़ेंगे तो उस स्टोर प्रोसीजर में अकाउंट से रिलेटेड क्या होता है, अकाउंट क्या था, हमारा जो पैसे का कस्टोडियन था, है ना, इज द कस्टोडियन, इट वॉज द कस्टोडियन ऑफ मनी, है ना। वो मनी मैटर जहाँ करता था, फाइनेंस जहाँ मैटर करता था, वो बीच में LO आता था, एक थर्ड पार्टी था ये। तो इसका काम था कि हमारे फैक्ट्री में अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई लूप होल है, तो इसको पकड़ लेगा ये, क्योंकि हर चीज़ों में हम लोग को जहाँ मनी मैटर करता है वो हमें लोकल अकाउंट ऑफिस से पूछना होता था, कंकरेंस लेना पड़ता था। आप जब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर पढ़ेंगे MM के लिए, तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ों के लिए हमें फाइनेंस की कंकरेंस की ज़रूरत है और किसके लिए ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, इसको वेटिंग भी कहते हैं, कंकरेंस भी कहते हैं, कंसेंट भी कहते हैं, वर्ड ज़्यादा यूज होता है कंकरेंस और वेटिंग। तो LO ये ख़त्म हो गया, आपके F&A सेक्शन हो गया, आपका जो CFA था, FA था, ये सब चला गया, DCFA ये सब चला गया, है ना। लेकिन प्रोसीजर एज यूजल है, सेम है, पहले भी फाइनेंस अकाउंट LO सेक्शन में आप लोग पढ़े होंगे कि M सेक्शन है मटेरियल सेक्शन, L सेक्शन लेबर सेक्शन, M लिंकिंग मटेरियल लिंकिंग, C सेक्शन मतलब कॉस्टिंग सेक्शन,
ईडीपी सेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेक्शन, इन सारे सेक्शनों को आप पढ़ते होंगे, है ना। ईडीपी सेक्शन के बारे में पढ़ते होंगे, ये सब कई बार क्वेश्चन भी आया है। तो ये आज भी एज यूजल काम कर रहा है, सेटअप वही है, सब कुछ वही है, काम वैसे ही हो रहा है। इसको रोकने का मतलब है फैक्ट्री के काम को इमीडिएट रोक देना, है ना। ये सारे सेटअप को रोक देना मतलब फैक्ट्री के काम को इमीडिएट रोक देना, एज यूजल चल रहा है। हम क्यों इसका नाम बदलेंगे ना, फैक्ट्री ने बदला भी नहीं, क्यों बदलेगा। लोकल एलओ चला गया, सीजीडीए चला गया, काम तो हम कर रहे हैं, सेक्शन का नाम वही रहा, सब कुछ एज यूजल है, पीएसए वही है, पीएसएल वही है, है ना। आप मेनली क्या पढ़ेंगे फैक्ट्री अकाउंट में भी, स्टॉक प्रोसीजर में पीएसएल पढ़ेंगे, है ना, पीएसएल प्राइस स्टोर लेजर, पीएसएल सेम है भाई, है ना, पीएसएल सेम है, पीएसएल के बेस पे काम करते हैं हम लोग, पीएसएल है, पीएसए है, और तो ये सब कुछ सेम है। तो इसमें बदला कुछ भी नहीं है। बदला क्या है, आप जानते हैं कि फैक्ट्री जो पहले क्या थी, इनिशियल में फैक्ट्री पहले है ना कमर्शियल बेस्ड था ही नहीं, बाद में इसको थोड़ा सा धीरे धीरे अपडेट करने लगा 90s के दौर में, है ना, 90s में, तो कि इसके थोड़ा अपडेट किया जाए, तो इसे अकाउंट को क्वासी कमर्शियल अकाउंट बनाया गया। पढ़े भी होंगे आप लोग, मतलब कि क्वासी मतलब आधा होता है, अर्ध, है ना, अर्ध फाइनेंशियल बनाया गया इसे, ताकि कि इसे फाइनेंशियल का आदत लगाया जाए। फाइनेंशियल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। हमारा जो फैक्ट्री काम करता था पहले किस पे, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, इसके बेस पे फंड, हमें बजट आता था उस पर काम करते, हम उसको बजट को खर्च करते थे, एक्सपेंस करते थे, लेकिन हम ये पता नहीं लगाते थे कि इसमें प्रॉफिट हुआ कि क्या लॉस हुआ, है ना। लेकिन क्वासी कमर्शियल में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हमें बनाने लगे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बनने लगा था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता था, बनता तो था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता था, है ना। लेकिन अब क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा फैक्ट्री जो है कमर्शियल इंटिटी बन गई है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बन गया है, और हमारा काम अब मोटो जो है हमारा काम है वो प्रॉफिट गेन करना है, इसलिए हमारा जो अकाउंट बनेगा, आप जानते पहले 5 तरह के अकाउंट बनते थे, जिसमें से हर एक अकाउंट में लगभग 25 से 30 एंट्री होती थी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, और वो एक्चुअल अब फिगर जो बनेगा, बैलेंस शीट जो बनेगा फैक्ट्री का, है ना, प्रॉफिट और लॉस को शो करेगा। तो ये चेंजेज होने वाले हैं, इससे क्वेश्चन कभी नहीं आया है, एक बार क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है कभी मैंने देखा है कि पूछा है कि ये जो एंट्री पर्टिकुलर एंट्री है किस साइड में होती है, डेबिट साइड में होती है या क्रेडिट साइड में होती है। अब एक क्वेश्चन कभी आई है भोले भटके से, अब उसके लिए अगर आप ये 5वें अकाउंट पढ़ेंगे तो इसमें लगभग 250 एंट्री हो जाती है, पॉसिबल नहीं है पढ़ना, उसको याद करना, ठीक है। तो आपका ओवरव्यू में बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदलेगा, बस यही सब रहेगा, ठीक है। एज वेल है प्रोसीजर सब कुछ सेम है, सब कुछ कहानी सब सेम है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, अच्छा मैं बता रहा था, मैं स्टोर बता रहा था ना। देखिए स्टोर प्रोसीजर में सपोज कीजिए कि ये फैक्ट्री का गेट है, फैक्ट्री का गेट है, यहाँ पे क्या ना मटेरियल आया, इनपुट मटेरियल, हमने कोई चीज़ परचेज किया था, हमारे फैक्ट्री में व्हीकल बनती है, गाड़ियाँ बनती है, सपोज कीजिए हमने इंजन मंगवाया, 100 इंजन मंगवाए, आ गया ट्रक से, ये चल के यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस मटेरियल को हमें फैक्ट्री के अंदर लाना है और प्रोसीजर करना है कि फाइनली जो है ये किस में, एंड प्रोडक्ट में, यानी मतलब कि मैन्युफैक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कैसे यूज होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्री के गेट से मटेरियल के फैक्ट्री के अगेन बाहर होने तक, है ना, फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर होने तक मटेरियल कभी अकेला नहीं रहता है, उसके साथ हमेशा एक डॉक्यूमेंट रहता है, वो हमेशा अकेला नहीं चलता है। आप सपोज कीजिए कि एक हाथ में मटेरियल लिए हैं, एक हाथ में डॉक्यूमेंट लिए हैं, दोनों साथ चलेंगे, ये जुदा नहीं होता, ये दोनों ना सेपरेट कभी नहीं होता, एक डॉक्यूमेंट हमेशा मटेरियल के साथ घूमते रहता है। आप कहीं अगर रख भी दिए हैं, है ना, आप कहीं मटेरियल को रख भी दिए हैं, बेचारा वो रखा हुआ है ना स्टेट कंडीशन में, तो भी उसके साथ एक कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है देखते हैं। जैसे ही फैक्ट्री के गेट के पास आया तो अपने साथ यहाँ पर जो ड्राइवर था, ड्राइवर को ही फर्म का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में मटेरियल मैनेजमेंट में, कि यहाँ पर वो अपने साथ लाएगा इनवॉइस, चालान,
इसको कहते हैं चलान, मतलब इस कॉपी का जो उसके फैक्ट्री गए, जो मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री, वेंडर के फैक्ट्री से जो निकला, तो एक चलान दे के भेजा। उस चलान में लिखा रहता है हमारा सप्लाई ऑर्डर नंबर, हम लोग जो उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं कि भैया तुम जो है 100, मतलब 100 यूनिट्स जो है ये इंजन है मुझे दो, तो दो तो कैसे दो, है ना, एक ऑर्डर देंगे हम लोग, एक डेट देंगे उसको। तो हम लोग जो फैक्ट्री जो ऑर्डर देता है वो कोडिफिकेशन में देता है, कोड में देता है, जैसे 4CELP इस टाइप का 002 डेटेड इतना इतना, एक कोड के रूप में देता है। उसी कोडिफिकेशन के अंदर में सारा डिस्क्रिप्शन रहता है, कौन सा मटेरियल है, LF नंबर क्या है उसका, क्वांटिटी कितनी है, साथ में मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है ना क्या है। जैसे सपोज कीजिए इंजन है, तो इंजन की कैपेसिटी कितनी है, कितनी HP की मटेरियल है, इसमें आप कौन सा मटेरियल यूज करें, ये सारा डिस्क्रिप्शन इसमें किस में रहता है, सप्लाई ऑर्डर में। तो सप्लाई ऑर्डर का नंबर जो है इंस्क्राइब करके इसमें आता है, चलान में आता है। चलान लाया, हमारा यहाँ पर एक बंदा रहता है IGP बनता है ना, इसको कहते हैं एक्चुअल में MIGP, एक्चुअल में क्या कहते हैं इसको, MIGP मतलब मेटेरियल इनवर्ड गेट पास, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अक्सर बोलते हैं इसको IGP, MIGP को हटा देते हैं, IGP इनवर्ट गेट पास, ठीक। तो ये मेटेरियल यहाँ आया, तो ये जो बंदा होता है SO का, एक बंदा सिक्योरिटी ऑफिस का एक बंदा होता है, एक स्टाफ होता है जो कि IGP को प्रिपेयर करता है। अब देखिए किस, हो सकता है आपके फैक्ट्रियों में ये जो है ना स्टोर वाले बनाते होंगे, स्टोर के यहाँ पर पर्सन रहते होंगे, लेकिन देखिए प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में मैंने अंतर बताया कि प्रैक्टिकल ये है कि इसे स्टोर वाले बनाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल ये है ऑन पेपर ये है कि इसे सिक्योरिटी वाले बनाते हैं, ठीक है। किस बेस पर बनाता है ये IGP, पेपर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आपका गेट पास होता है बाहर जाने का ना, आप बिना गेट पास के बाहर नहीं जाते हैं, उसी तरह से बिना गेट पास के ये मटेरियल अंदर नहीं होता है, मटेरियल अंदर के होने का में गेट पास है ये। तो ये बाद में डिस्कस करेंगे ना, फिलहाल समझिए कि इसने, सिक्योरिटी ऑफिस ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया MIGP, ये इसके साथ आ गया मटेरियल अंदर, ठीक है। और किसके बेस बनाता है, चलान, चलान में लिखे सप्लाई ऑर्डर के बेस पे अंदर आ गया, ये मटेरियल आया यहाँ, साथ में लाया MIGP, और ये कहलाता है रिसिप्ट ग्रुप, ठीक है, रिसिप्ट ग्रुप के पास आया। रिसिप्ट ग्रुप के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है RBR, और एक पार्ट होता है इसका RO, मतलब रिसिप्ट ऑफिस, ठीक है। एक होता है रिसिप्ट बॉन्ड रूम, रिसिप्ट बॉन्ड रूम, और एक होता है RO मतलब रिसिप्ट ऑफिस, ठीक है। मटेरियल आया साथ में, रिसिप्ट ग्रुप के पास मटेरियल भी आया और साथ में क्या आया, डॉक्यूमेंट आया, MIGP बोले ना, यहाँ से शुरू हो गया डॉक्यूमेंट साथ में चलना। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो रिसिप्ट ऑफिस करेगा, इसका काम है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम करना, और रिसिप्ट बॉन्ड रूम RBR का काम है मटेरियल को रखना, है ना, मटेरियल कहाँ रखेगा इसमें, तो रिसिप्ट बॉन्ड रूम। ये बॉन्ड क्यों कहलाता है आगे पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि बॉन्ड एक्चुअल में क्यों कहलाता है। अभी मान लीजिए कि बॉन्ड का मतलब होता है कि जहाँ पर सामान को थोड़े समय के लिए रखा जाए, फॉर द टाइम बीइंग, है ना, टेम्पररी समय के लिए सामान को अगर रखें तो RBR वो बॉन्ड कहलाता है, तो वह है रिसिप्ट बॉन्ड रूम। यहाँ पर क्या प्रोसीजर होता है, RO जो है एक MIS जनरेट करता है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर में एक डॉक्यूमेंट ठीक है, एक डॉक्यूमेंट ये प्रिपेयर करता है MIS, और इस MIS को, इस MIS के साथ और RBR में रखे मटेरियल को, दोनों को और मटेरियल को दे दिया जाता है, एक ऑफिस होता है आप फैक्ट्री में, सेक्शन होता है QC, है ना, क्वालिटी कंट्रोल, इसको दिया जाता है। QC क्या करता है, QC करता है इस मटेरियल का चेक कि ये मटेरियल एक्चुअल में सही है कि नहीं, सही किसके अनुसार, क्या चेक करेगा ये। तो एक क्वेश्चन आया था कि
की जो क्यूसी जो मटेरियल को वेरीफाई करता है वो क्या देखता है, किसके अकॉर्डिंग में ये रहता है ना, चेक कैसे, क्या चेक करेगा इसका? कुछ तो चेक करेगा, लेकिन कुछ तो पहले से उसका रेफरेंस होगा ना कि इसमें तुमको चेक करना क्या है। इंजन आया है ना, इसको ये पता होगा ना कि इंजन में को सपोज कीजिए 2 HP का इंजन दिया गया है, हमने प्लेस किया है सप्लाई ऑर्डर 2 HP का, तो हमारे पास 2 HP का आया कि नहीं हमें ये देखना है ना, कहीं 1 HP का तो नहीं आ गया है, तो ये देखना है। तो ये किसू क्या करता है, क्यूसी के पास सप्लाई ऑर्डर की एक कॉपी पहले से प्लेस कर दी जाती है ना। जब सप्लाई ऑर्डर प्लेस होता है तो उसको 2 जगह दिया जाता है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे भी बातें हैं, थ्योरेटिकल में बता रहा हूँ सब, प्रैक्टिकल में देते ही नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल क्या है कि एक कॉपी उसको रिसिप्ट ऑफिस को और एक कॉपी क्यूसी को उसी समय प्लेस कर दिया जाता है जैसे ही ये सप्लाई ऑर्डर प्लेस होता है। तो क्यूसी के पास सप्लाई ऑर्डर होता है, सप्लाई ऑर्डर में लिखा होता है उसका डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन के बेस पर वो चेक करता है मटेरियल को, सपोज कीजिए कि ये मटेरियल सही पाया गया, मतलब सेंटेंसिंग हो गया, उसको कहते हैं, इस प्रोसीजर को कहते हैं सेंटेंसिंग, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, सेंटेंसिंग कहते हैं। और ये जो अपना रिमार्क लिखता है वो एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, पास्ट नहीं लिखता है ना, ऐसा नहीं कि पास हो गया तो पास्ट लिख दिया, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, सपोज कीजिए एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद ये मटेरियल लौटा देता है किसको, RVR को। RVR क्या करता है, अब क्या ऐसा ऐसा थोड़ी कि सारा मटेरियल, अगर 100 इंजन आया तो 100 इंजन किसी के नहीं देते हैं, पहले से फिक्स होता है कि कितना परसेंट इसका चेक करना है रैंडमली, सपोज कीजिए 5% करना है तो 5 इंजन को ही ये चेक करेगा, ठीक, उसी के बेस पे सारे को एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। अब इसके पास RVR के पास रखा है तो RVR एक चीज़ जनरेट करेगा, वो करेगा जनरेट, एक पेपर जनरेट करेगा। देखिए यहाँ भी जो QC के पास आया किसके साथ आया, IGP यहीं पर ख़त्म रह गया, रिसिप्ट ग्रुप के पास, RO के पास, यहाँ से जनरेट हो गया MIS के साथ आया। अब जो है RVR के पास जो मेटेरियल और ये रखा हुआ है तो ये एक जनरेट करता है रिसिप्ट वाउचर, ठीक है, रिसिप्ट वाउचर जनरेट करता है। और इस रिसिप्ट वाउचर को यहाँ पर सपोज कीजिए कि क्या है, स्टोर है, ये क्या है, ये जो है ये स्टोर है, इसका स्टोर कीपर आएगा RBR, इस रिसिप्ट वाउचर लेगा, रिसिप्ट वाउचर में लिखा रहता है, चूंकि जो MIS है ना, MIS के ही रूप बदलते रहता है, MIS रिसिप्ट ऑफिस के लिए MIS है, और ये सेम डॉक्यूमेंट जब QC के पास आता है और ये सेंटेंसिंग करता है तो ये बनता है इंस्पेक्शन नोट बनता है, और यही सेम कॉपी जब RVR के पास वापस लौट के जाता है और इसे स्टॉक को पास जब देना होता है तो वो कहलाता है रिसिप्ट वाउचर, सेम कॉपी। आप देखेंगे कि MIS में 3 नाम लिखे रहते हैं, तो लास्टली ये बनता है रिसिप्ट वाउचर। तो स्टोर कीपर रिसिप्ट वाउचर में लिखे नंबर्स, इसमें लिखा रहेगा कि कितने नंबर्स हैं, मतलब सपोज कीजिए कि इसमें इंजन है तो 100 इंजन है, तो वो 100 इंजन यहाँ से उठाया और ले गया अपना घर, अपना घर कहाँ, उसका स्टोर है, स्टोर में जाके रख लिया, कहाँ रखता है वो स्टोर में, है ना, स्टोर में होता है बिन, इस तरह के जो पायलट्स बने रहते हैं उसको कहते हैं बिन, है ना, बिन कहते हैं। अब एक ने क्वेश्चन पूछ दिया कि सर बिन का मतलब, बिन इंडेक्स कुछ फॉर्मूला ये है क्या, फुल फॉर्म, अरे बिन का क्या फुल फॉर्म, बिन का मतलब बिन होता है डस्टबिन, है ना, आप डस्टबिन यूज करते हैं तो एक्चुअल में वो डस्ट का बिन है, ये मटेरियल का बिन है ना, तो BIN बिन होता है। तो इस बिन में आप रख दिए मटेरियल को, हो सकता है कुछ मटेरियल को इसमें रखना पॉसिबल नहीं है बिन में, लेकिन फिलहाल समझिए कि उस मटेरियल को इसमें इसमें रख दिए, इतने सारे मटेरियल को इसमें रख दिए। अब एक चीज़ हम यहाँ पर, क्योंकि अब तुरंत अगर हमें पता करना हो कि इस मटेरियल में क्या क्या मटेरियल रखा है, कब आया है, तो ये कैसे पता करेंगे, तो इसमें हम लोग एक टैग लगाते हैं, इसमें एक टैग लगाते हैं जिसको कहते हैं बिन लेवल, है ना, इसको हम लोग कहते हैं बिन लेवल, एक टैग होता है इस टाइप का, पेपर होता है यहाँ से मुझे होल रहता है, इसको ऐसे बांध देते हैं, इसमें इसमें लिखते हैं हम लोग इसका MIS नंबर क्या है, कौन सप्लायर है, कितनी क्वांटिटी है, एक्सेप्टेड है रिजेक्टेड है, ये सब लिख के इसमें हैंग कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया बिन का, बिन लेवल हो गया जिसे मटेरियल पता चलता है। लेकिन एक और होता है बिन कार्ड, क्या होता है बिन कार्ड, बिन कार्ड क्या होता है, ये जो मटेरियल है ये मटेरियल कहीं तो आपका
पता चलेगा ना कि कब आया, इसके पहले हो सकता है और भी मटेरियल आया होगा। तो इसके लिए एक बिन कार्ड स्टोर में रहता है ना, स्टोर में बिन कार्ड स्टोर कीपर के पास रहता है, ठीक है, स्टोर कीपर के पास रहता है। प्रैक्टिकल है ये, और थ्योरेटिकल क्या है कि इस जो इस बिन कार्ड है, इस बिन कार्ड का मालिक होता है स्टोर होल्डर, ठीक है। स्टोर कीपर सिर्फ इसको रखता है, सिर्फ इसका देखभाल करता है। ये किसके अंदर में रहता है? स्टोर होल्डर के अंदर में रहता है, ठीक है। स्टोर होल्डर कौन होता है? JWM स्टोर। तो इस बिन कार्ड में लिखा रहता है कि ये कब आया, इस मटेरियल का, इस पर्टिकुलर मटेरियल का बिन कार्ड है। लीफ लेट है ये एक तरह से, है ना, A4 साइज का या जो भी साइज का एक पेज रहता है ना। तो उसमें लिखा रहता है कि ये मटेरियल, जैसे इसमें 100, सपोज कीजिए कि पहले से इसमें 50 मटेरियल था, 100 मटेरियल फिर से आया, तो यहाँ फिर हम लोग ऐड कर दिए 100। और यहाँ पर एक कॉलम बना रहता है, वो लिखा रहता है बैलेंस। तो अब कितना बैलेंस दिखाएगा? 150। तो मतलब फिलहाल क्या है हमारे पास? 150। जैसे ही बिन कार्ड हम लोग देखे, उसमें देख लिए बैलेंस कितना है, 150। इसका मतलब हमारे पास फिजिकल है, फिजिकल मतलब यहाँ जो रखे हुए हैं बिन में, वो भी कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए। कोई अगर इशू करना है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोई इशू करना है तो यहाँ से माइनस कर दिए, समझ लीजिए 50 माइनस कर दिए, इशू कर दिए, बचा कितना? 100। तो अब ये 100 क्या शो करेगा? तो बिन कार्ड क्या शो करता है? एक्चुअल फिजिकल बैलेंस को शो करता है ना, कि इसमें कितना है वो शो करता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, है ना। हो सकता है कि हमारे पास बैलेंस में 50 हो, बिन कार्ड में 100, 100 कौन 100 क्वांटिटी शो कर रहा है या कम शो कर रहा है, तो इसका रीजन अलग है, पढ़ेंगे। लेकिन ये इसको शो करता है, ठीक है, बिन कार्ड को, ठीक। इशू करना हो तो कैसे करेंगे? अब यहाँ देखिए, यहाँ बताए ना, कहीं अगर पड़ा हुआ भी है तो बेचारा एक डॉक्यूमेंट के साथ पड़ा हुआ, पहला तो एक बिन लेवल के साथ पड़ा हुआ है ये, यह यहाँ पर रखा हुआ है, और साथ में बिन कार्ड के साथ भी पड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब स्टोर कीपर क्या कराएगा? इस मटेरियल को फाइनली कहाँ इशू किया जाता है? प्रोडक्शन में इशू करते हैं। फाइनली कहाँ इशू करेंगे? प्रोडक्शन में इशू करते हैं। तो जब प्रोडक्शन में जब इशू करेंगे तो ये करता है, जैसे सपोज कीजिए ये एक प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पर गाड़ियाँ बननी है, यहीं पर इंजन लगना है, तो इसको एक मिलता है मैन्युफैक्चरिंग वारंट। तो इस वारंट में लिखा रहता है कि आप कितने नंबर्स में इंजन स्टोर से ड्रॉ करने के लिए एलिजिबल हैं, कितने का वारंट है आपको। समझ कीजिए इसको 10 इंजन ड्रॉ करने के लिए एलिजिबल बनाया गया, एक वारंट दिया गया है। तो इस वारंट के अगेंस्ट में ये बनाएगा एक डिमांड नोट रेज करेगा। क्या करेगा? रेज डिमांड नोट, और डिमांड नोट कॉपी होती है एक, है ना, छोटी सी। इस डिमांड नोट को लेकर आ जाएगा कहाँ पर? वो इस स्टोर के पास, और स्टोर को कहेगा कि हमारे डिमांड नोट में 10 नंबर इंजन लिखा हुआ है, मुझे दे दीजिए। तो वो डिमांड नोट की कॉपी लेगा स्टोर कीपर और 10 इंजन उसे दे देगा, ठीक है। प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल इसमें क्या होता है कि जो ये स्टोर, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो ये डिमांड नोट लेके आ रहा है, साथ में वो वारंट भी लाएगा। थ्योरेटिकल है ये ना, कि वारंट भी लाएगा और स्टोर कीपर को दिखाएगा। इशू करने के लिए स्टोर कीपर जिम्मेदार नहीं है, स्टोर होल्डर जिम्मेदार है, थ्योरेटिकल, है ना। तो उस वारंट में देखेगा कि डिमांड नोट वो 10 क्वांटिटी का लाया, तो वो देखेगा कि एक्चुअल में आपके वारंट में 10 है कि नहीं है, कहीं आप नकली तो बना के नहीं लेते आए हैं कि 15 चाहिए मुझे, है ना, है 10 उसमें। तो वो उस वारंट को वेरीफाई करता है और देखता है कि नहीं, उसमें भी उतना है, इसमें भी इतना है, या तो उससे कम है, 10 है तो 2 ले रहा है, ठीक है, उसके वारंट में कितना बचा है, तो उसको दे देगा। ये देखेगा अगर उसमें 15 है और ये डिमांड नोट 10 का लाया है, तो उसको राउंड करके काट के स्टोर होल्डर कर सकता है उसे 10, उसके डिमांड नोट को, है ना। अब एक कॉपी दे, इसकी जो डिमांड नोट की है वो दे देते हैं कंसर्न, किसको देते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दे देते हैं, प्लांट को दे देते हैं। थ्योरेटिकल है ये, है ना। वो क्या करता है, इस कॉपी को उस अपने जो मैन्युफैक्चरिंग वारंट में उसकी वो पोस्टिंग कर देता है। तो उसको अगर 100, 10 दिया गया था, 10 के लिए उसे ऑथराइज किया गया था कि 10 तुम ड्रॉ कर सकते हो, तो 5 उसने ले लिया, तो यहाँ उसके वारंट में 5 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और फ्यूचर के लिए क्या बचेगा? 5। फिर दोबारा जब वो डिमांड नोट जनरेट करेगा तो वो 5 का ही जनरेट करेगा। सपोज कीजिए 2 का किया तो फिर 3 बचे, तो इसकी पोस्टिंग वो कहाँ करता है? मैन्युफैक्चरिंग वारंट में करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वारंट में करता है। देखिए ये हो गया, अब ये प्रोडक्शन में लग गया, अब यहाँ प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन में लग गया, यहाँ कैसे आया? वो डिमांड नोट के साथ आया, है ना, हाथ में एक कॉपी जो आया उसके साथ आया।
अब यहाँ से फाइनली कहाँ चला जाना है, मैन्युफैक्चर होके इंडेंटर के पास। इंडेंटर कौन होता है? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी पर्सन जो हमें बनाने के लिए दिया है कि हमें इतना आपका गन चाहिए या व्हीकल चाहिए, जो भी, वो इंडेंटर कहलाता है। तो इंडेंटर को हमने दे दिया, साथ में क्या भेजा एक डॉक्यूमेंट, अभी भी तो मेटेरियल इसमें लगा है हमारा, है तो हमने भेजा आई नोट बनाया। हम क्या बनाते हैं? इंस्पेक्शन नोट और इशू वाउचर बनाते हैं, है ना, इशू वाउचर बनाते हैं और यहाँ से उसको भेज दिए। तो मैंने कहा कि फैक्ट्री में गेट से आने से लेकर फैक्ट्री के बाहर जाने तक हमेशा इसके साथ एक डॉक्यूमेंट कैरी करता है, साथ में चलता है, ठीक है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है, ठीक है। यहाँ पर जैसे है कि अब ये जो बिन कार्ड में हमने एंट्री किया, अकाउंट हमारे पास बिन कार्ड है, अकाउंट के पास है पीएसएल, प्राइस स्टोर लेजर, दोनों सेम है। बस एक अंतर है कि उसके पास प्राइस्ड किया हुआ है, हमारे पास प्राइस्ड नहीं है। प्राइस्ड मतलब कि अगर ये 500 इंजन लाया तो 100 इंजन का प्राइस कितना है वो हम लोग नहीं लिखते हैं बिन कार्ड में, लेकिन जो अकाउंट वाला है वो अपने पीएसएल में लिखता है कि 100 का कितना है प्राइसिंग। हर एक फैक्ट्री में जितने भी डॉक्यूमेंट चलते हैं, अगर उस डॉक्यूमेंट में मनी मैटर लिखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट जिस चीज़ का है वो मनी मैटर करता है, तो उसको प्राइसिंग होती है। प्राइसिंग कौन करता है? अकाउंट करता है, ठीक है। ये है तो ठीक है, एक सेकेंड दीजिए, मुझे एक मिनट टाइम दीजिए। डेली ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आई एम अनेबल टू अटेंड क्लास प्रॉपरली। एक्चुअल में आपको अपना नेटवर्क थोड़ा सही रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला बात, नेटवर्क तो सही रखना, बिना नेटवर्क कैसे क्लास करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, है ना। दो तीन बातें हैं, नेटवर्क सही रखना पड़ेगा आपको, और साथ में ही आपको, आप जब पढ़ें तो अच्छे तरीके से पढ़ें कि बच्चे आवाज़ ना करें, ये ना करें, वो ना करें, क्योंकि ऐसे किए बिना नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कि जब ये रेगुलर क्लास रहेगा, है ना, जो पेड क्लास है, तो उसमें इसके लिए क्या किया जाता है, क्लास रिकॉर्ड होता है, है ना, कि अगर आपका क्लास, है ना, आपका अगर क्लास छूट रहा है या आपका शिफ्ट ड्यूटी है या कभी क्लास मिस हो गया, तो आप उस क्लास को आराम से पढ़ सकते हैं। नोट्स दे दिया जाता है, क्लास रिकॉर्ड कर दिया जाता है, आपको, आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है ये, है ना। आप चाहे क्लास लाइव पढ़ें या रिकॉर्डेड पढ़ें, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, कोई रिटेंशन नहीं है, है ना। तो अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ होता है, आप नहीं समझ पा रहे, नहीं सुन पा रहे हैं, तो बाद में उसे जब चाहें जब सुन सकते हैं। फैक्ट्री जाइए, फैक्ट्री में जाकर सुनिए जब आपको टाइम मिले। ठीक है, तो हम लोग स्टोर प्रोसीजर पढ़ रहे थे अब। तो ये तीन पर्पस हैं, तीन ग्रुप हैं, और ये तीनों दो तरह के ट्रांजैक्शन करता है, रेगुलर ट्रांजैक्शन, नॉमिनल ट्रांजैक्शन करता है। अब फैक्ट्री में देखिए, जो मटेरियल हैं, जो रेगुलर मटेरियल हैं या रेगुलर ट्रांजैक्शन जिसका है, वो तीन तरह के होते हैं। रेगुलर ट्रांजैक्शन या रेगुलर जो मटेरियल हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम लोग इनपुट मटेरियल कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, स्टॉक पाइल, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये जो स्टॉक पाइल है, ये भी डायरेक्ट मटेरियल के अंदर में ही आता है, ठीक है। तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री में जो
मटेरियल है फैक्ट्री में, जो मटेरियल है या वर्किंग स्टॉक है फैक्ट्री में, जो वर्किंग स्टॉक है, जो स्टॉक काम करता है ना, जिससे हम लोग काम करते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। तो वर्किंग स्टॉक कितना है, दो ही तरह के होते हैं, शायद क्वेश्चन कभी आया है वर्किंग स्टॉक, तो दो ही हैं वर्किंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। स्टॉक पाइल जो है वो डायरेक्ट मटेरियल का ही एक पार्ट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है, तो डायरेक्ट मटेरियल वो है जो एक्चुअल में मटेरियल एस्टीमेट का एक पार्ट होता है, और वो फर्दर जो है एंड प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट का भी पार्ट बनता है, है ना। जैसे आपने एक जैसे मैंने हम लोगों ने इंजन खरीदा था, और लास्ट में उसे कहाँ लगा, उससे बना दिया एक गाड़ी बनाया, हम लोगों ने व्हीकल बनाया, हमारे फैक्ट्री में स्टालिन बनता है, LPT व्हीकल बनता है, वहाँ पर बनाया। तो ये जो मटेरियल लास्ट में जाके वहाँ लग गया, और मतलब वो फाइनल एंड प्रोडक्ट का पार्ट बना, तो ये जो इंजन कहलाया आपका डायरेक्ट मटेरियल। एक होता है मटेरियल एस्टीमेट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एस्टीमेट बनाते हैं, किसमें कितना कौन सा मटेरियल लगना है, कितना मटेरियल कौन सा मटेरियल लगना है, उसका एक एस्टीमेट बनता है। रेट एंड एस्टीमेट एक सेक्शन होता है आपके फैक्ट्री में, ज़रूरी नहीं कि हर फैक्ट्री में ये सेक्शन हो, रेट एंड एस्टीमेट जरूरी नहीं है। तो एक्चुअल में किसी किसी सेक्शन में उसको मर्ज कर दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ CPP है, वहाँ पर रेट एंड एस्टीमेट को मर्ज कर दिया गया है। तो लेकिन रेट और एस्टीमेट का काम जारी है, वैसे ही होता है, रेट और एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट में ही उस मटेरियल को लिखा जाता है। सपोज कि इस मटेरियल में लिखा है कि ये लगना है, ये इंजन इस टाइप का, ये मटेरियल, तो वो अगर उसमें लिखा है और वही फाइनल प्रोडक्ट में लग रहा है, तो मतलब वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, वो सबसे जनरल सा आइटम है, मेंटेनेंस आइटम है, मैंने पहले ही बताया था, है ना। और नॉर्मली ये मटेरियल जो इनडायरेक्ट होते हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं ब्रॉडली हर एक केस में, नॉर्मली ये जो होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, जो होते हैं वो ओवरहेड चार्जेज होते हैं। क्या होते हैं, ओवरहेड चार्जेज। एक इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है, है ना, कि वैसा डायरेक्ट मटेरियल, वैसा डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन के व्यू से क्रिटिकल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं लगेगा तो उसके बिना वो एंड प्रोडक्ट बनेगा नहीं। सपोज कीजिए एक पूरे गाड़ी में व्हीकल बननी है, उसमें बहुत सारे वाशर लगते हैं, वाशर जानते हैं आप लोग टेक्निकल हैं, तो एक क्या वाशर या एक कोई नट कोई बोल्ट एक नहीं लगाएंगे तो क्या पूरी गाड़ियाँ नहीं बनेंगी, बनेंगी, मतलब उस पूरी गाड़ी के हिसाब से वो क्रिटिकल नहीं है। लेकिन इंजन नहीं लगाएंगे तो कोई गाड़ी नहीं बनेगा, तो इंजन क्या क्रिटिकल है। तो ऐसा मटेरियल जो क्रिटिकल नहीं है, जो मटेरियल क्या है क्रिटिकल नहीं है, और उसका वैल्यू जो है उस पूरे मटेरियल का 0.5% से अधिक नहीं है, अगर 0.5% से अधिक नहीं है उस मटेरियल का वैल्यू है, तो उस डायरेक्ट मटेरियल को भी हम लोग इनडायरेक्ट कंसीडर करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। अब है कि स्टोर्स, टाइप्स ऑफ स्टोर, स्टोर हैं, स्टोर भी तो अलग अलग तरह के स्टोर होते हैं, है ना, स्टोर भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो स्टोर को हम लोग जो है डिवाइड किए हैं दो बेस पर, एक है फंक्शनल कंसीडरेशन और एक है हम लोग का फिजिकल कंसीडरेशन, है ना। स्टोर को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हैं, डिवाइड किए हैं अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये कोर्स कितने दिन का रहेगा, क्या रहेगा ये सब। तो आपका जो FASP GK है, जो टेक्निकल वालों के लिए है, वो 1 month मतलब 45 days समझ लीजिए, वो 45 days का रहेगा, ठीक है। और जो नॉन टेक्निकल हैं उनका 90 days का रहेगा, कभी ख़त्म हो पाएगा। इस 45 और 90 डेज में भी जो है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी होगा, है ना। क्योंकि मैं आपको कोशिश करूँगा कि इतने सारे पढ़ा देने की उसके बाद आपको ज़रूरत ना पड़े किसी नोट्स या किसी का सहारा लेने का, है ना, कंप्लीट। इसलिए आपको टाइम लगेगा इसमें, है ना, सिर्फ मैं ओवरव्यू नहीं बताऊँगा, जैसे बता बता के निकल गए, ठीक है।
तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा, मिनिमम 45 डेज तो लगेंगे और इसमें 90 डेज तो आपको लगेगा ही ख़त्म होने में। ठीक है, चलिए इसमें तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ स्टोर्स। दो बेस होता है जिसके बेस पर हम लोग, एक होता है फंक्शनल कंसिडरेशन, और एक होता है फिजिकल कंसिडरेशन। फिजिकल कंसिडरेशन और फंक्शनल कंसिडरेशन, इस बेस पर फैक्ट्री में जो स्टोर है उसको ग्रुप में बांटा गया, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो पहला अगर फंक्शनल कंसिडरेशन देखें तो फंक्शनल कंसिडरेशन क्या बताता है कि ये तय करता है, फिक्स करता है कि स्टोर में किस प्रकार का मटेरियल रखा जाना है और इसके अनुसार कैसे स्टोर बनाएं। सपोज कीजिए आप अपने घरों में ही है ना, कि जिस किसी चीज़ में यानी कोई यूटिलिटी यूटेंसिल होगा, कोई भी बर्तन होगा, किसी में आप जिसमें आप आलू को रखते हैं उसमें प्याज को नहीं रखते हैं ना, और उसी में लहसुन को नहीं रखते हैं है ना, और उसी में आटा को नहीं रखते हैं, सबका अलग अलग बना के रखें। क्यों? उसकी प्रकृति के अनुसार, फिर नेचर के अनुसार आपका अलग अलग अपने बना के रखें कि इसको किस में रखना है ना। तो उसी प्रकार से जो सामान है, जो आइटम आ रहे हैं, जो स्टोर्स आ रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग स्टोर्स भी अलग अलग बना रहे हैं। जैसे रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल आया आपका जो कच्चा माल जिसको कहते हैं, ये तो एकदम अनफिनिश्ड मटेरियल होता है रॉ मटेरियल। तो हम लोग स्टोर ही अलग तरह से बनाते हैं, रॉ मटेरियल स्टोर। क्या बनाते हैं? रॉ मटेरियल स्टोर। एक होता है प्रोडक्शन स्टोर, जहाँ पर कि प्रोडक्शन करके हम मटेरियल को रखते हैं। वो मटेरियल भी तो कहीं रखना है, हम लोग रोज़ प्रोडक्शन करते हैं, मटेरियल क्या फेंक देंगे, कहीं रखेंगे, तो उसके लिए हम लोग रखते हैं उसको प्रोडक्शन स्टोर में। तो एक होता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर मतलब होता है कि ऐसा स्टोर जिसमें बहुत जनरल सामान रखते हैं, जैसे आपके यहाँ जूते आते हैं है ना, शूज आते हैं, सैंडल आते हैं, आपके कपड़े आते हैं है ना, फैक्ट्री के अंदर आता है, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सब कहाँ रखे जाते हैं? ये जनरल आइटम कहलाते हैं और ये रखा जाते हैं जनरल स्टोर में। अब टूल्स का स्टोर होता है, जानते हैं आपके सेक्शन में टूल स्टोर होगा, जहाँ पर आप लोग टूल लेते हैं, इशू करते हैं, रखते हैं है ना। साल्वेज स्टोर होता है, जानते हैं फैक्ट्री में बहुत सारा साल्वेज जनरेट होता है ना, स्क्रैप टाइप ये वो सब जनरेट होता है, तो वहाँ पर रखते हैं। अब बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स लगते हैं फैक्ट्री में है ना, मशीनों में स्पेयर पार्ट्स, तो एक स्टोर में ही हम लोग बना देते हैं स्पेयर पार्ट्स स्टोर। उसके बाद आप जानते हैं रिसिप्ट स्टोर होता है, जहाँ पर मटेरियल को रखते हैं। एक होता है क्वारंटाइन स्टोर, जहाँ पर आप फिलहाल न्यूज़ ये वर्ड जानते हैं, क्वारंटाइन मतलब अलग थलग करके रखना है ना, ऐसे मटेरियल जो कि सपोज कीजिए कि जो केमिकल वाला आइटम है ये है ना, या ऐसा मटेरियल है इसको सस्पेंस गोडाउन भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग जान नहीं रहे हैं कुछ अभी अच्छे से कि ये हजार्डस है या नॉर्मल है, तो उसको हम लोग क्वारंटाइन स्टोर में रख देते हैं। एक फिनिश स्टोर होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग जो पार्ट्स बनाते हैं वो फिनिश करके रखते हैं। WIP स्टोर, वर्क इन प्रोग्रेस स्टोर भी होता है, जहाँ पर अभी बीच में ही मटेरियल को रखते हैं बना बना के है ना। स्टेशनरी स्टोर्स, जहाँ पर कि हम लोग स्टेशनरी आइटम को रखते हैं, पेज, पेन, पेपर, टैब ये वगैरह जो आते हैं फैक्ट्री में यूज के लिए, फाइल, फोल्डर, ये सब WIP स्टोर में होते हैं, स्टेशनरी स्टोर में होते हैं। एक चीज़ आपको समझाना था, बॉन्डेड स्टोर। बॉन्डेड स्टोर क्या होता है, जिसको RBR रिसीव बॉन्ड रूम, तो बॉन्ड क्या होता है, ऐसा स्टोर जिसमें मटेरियल कुछ ही समय के लिए रखा जाता है। ऐसे मटेरियल क्या होता है, कुछ समय के लिए रखा जाता है और बाद में मटेरियल को क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टोर में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे रिसीव बॉन्ड रूम, रिसीव बॉन्ड रूम में क्या, मटेरियल आया, रखे, कब तक रखते हैं, जब तक कि उसका वेरिफिकेशन यानी क्वालिटी चेकिंग ना हो जाता है, उसके बाद कहाँ भेज देते हैं, अल्टीमेटली कहाँ भेजते हैं, तो इस स्टोर में भेज देते हैं। तो बॉन्ड में क्या हुआ, कुछ ही समय के लिए रखा रहता है वो, बॉन्ड में क्या रखा रहता है, वो कुछ ही समय के लिए रखा रहता है। आपको एक चीज़ नहीं बताया, भूल गए कि
आपको बताया थी कि स्टोर इशू, तो स्टोर इशू का काम जो है मटेरियल को अंदर में इशू करना नहीं, मटेरियल को फैक्ट्री के बाहर इशू करना है ना। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं इशू ग्रुप के, एक होता है इशू ऑफिस, इसे आप कहेंगे इशू ऑफिस, ठीक है, और एक होता है इशू बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज कीजिए कि कुछ मटेरियल हम लोग बनाए, गियर्स कुछ बनाए और उसे भेजना है इंडेंटर को, है ना, या किसी फैक्ट्री को या आर्मी किसी को भेजना है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मटेरियल को प्रोडक्शन शॉप से यहाँ लाते हैं बॉन्ड में, ठीक है, इशू बॉन्ड में, बॉन्ड में मटेरियल को पैकिंग करते हैं, भेजने के लिए पैकिंग करना पड़ेगा, है ना, चाहे बक्से बनाते हैं, बॉक्सेस बहुत सारे, वुडन बॉक्सेस या स्टील के बॉक्सेस, जिसे मटेरियल को रखे, यहाँ पर गाड़ियाँ बुलाए, यहाँ पर लोडिंग किए और इसको इशू वाचर एक क्या बनाता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम इशू वाचर करता है, जिस तरह आरबीआर में है उसी तरह यहाँ भी है, डॉक्यूमेंटेशन का काम इशू वाचर इशू ऑफिस और मटेरियल का काम इशू बॉन्ड। तो ये इशू वाचर बनाया और ये मटेरियल को पैकिंग किया, दोनों को लेके गाड़ी पे लोड करके यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ भी जो मटेरियल हम लाए सिर्फ पैकिंग करने के लिए लाए, मतलब कुछ समय के लिए लाए, अधिक समय के लिए नहीं लाए, कुछ समय के लिए मटेरियल को लाए। तो बॉन्ड एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि मटेरियल को कुछ समय के लिए ही रखा जाता है, ठीक है, तो ये बॉन्डेड स्टोर कहलाता है। इसके अलावा होते हैं ट्रांजिट स्टोर, ट्रांजिट स्टोर जहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग की जाती है ना, लोडिंग अनलोडिंग की जाती है। एक होता है डीह्यूमिफाइड स्टोर, जहाँ पर कि स्टोर को जो है ना पैक करके रखा जाता है और उसको डीह्यूमिफाइड किया जाता है, मतलब ह्यूमिडिटी को ख़त्म किया जाता है, लगभग ड्राई कंडीशन में रखा जाता है ना, ह्यूमिडिटी कंट्रोल किया जाता है ना, वातावरण में अगर अभी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जितना परसेंट है उस परसेंट को 60% है, तो उसको अगर किसी मटेरियल के लिए 40% ह्यूमिडिटी चाहिए तो हम लोग उसको कंट्रोल करके 40% ह्यूमिडिटी पे ला देते हैं ना, 40% ह्यूमिडिटी रखते हैं। तो ये होता है डीह्यूमिफाइड स्टोर। उसके बाद होता है फ्लेमेबल स्टोर, जो फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं उसको फ्लेमेबल स्टोर में रखते हैं, है ना, सबके लिए अलग अलग बनाए क्योंकि उसके लिए कुछ और हम लोग ने जो उसकी सेफ्टी के लिए कुछ और इंतजाम किया है ना। देखिए आप पेट्रोल के लिए जो सेफ्टी का इंतजाम करेंगे, जो इक्विपमेंट्स लगाएंगे, क्या वही सेफ्टी का जो क्राइटेरिया है वो किसी हाई स्पीड स्टील के लिए होगा? नहीं। हाई स्पीड स्टील में क्या आग लगेगा खुद से? नहीं लगता है। लेकिन पेट्रोल में जो है ना आग लग सकता है, तो पेट्रोल के लिए आप ना कुछ अलग अपनाएंगे उसके लिए, कि फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, है ना, बहुत सारा उसमें फायर एक्सटिंग्विशर में क्या रखेंगे आप, ड्राई केमिकल रखेंगे, ड्राई पाउडर रखेंगे, ये सब बहुत सारी चीज़ रखेंगे, लेकिन उसके लिए नहीं रखेंगे, तो इसको अलग स्टोर में रखेंगे, फ्लेमेबल चीज़ें उसके पास ना जाए, है ना। तो इसी तरह से सबके लिए अलग अलग बना है। ड्राई टैंक रखते हैं, ड्राई टैंक में पाउडर रखते हैं हम लोग, ड्राई आइटम रखते हैं। लिक्विड टैंक, लिक्विड टैंक में क्या, पेट्रोल डीजल केरोसिन, है ना, ये सब प्रोडक्ट रखते हैं। ओपन यार्ड्स होते हैं, आप फैक्ट्री में देखेंगे ओपन में सिर्फ सामान रखे हुए हैं और एक बारबेड वायर से चारों तरफ जो है फेंसिंग किया हुआ है, तो इसको कहते हैं ओपन यार्ड्स। अब एक फिजिकल कंसिडरेशन, हम लोग फंक्शनल कंसिडरेशन देख लिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आप को बताइए कि इसमें से कौन सा एक जो है ना एक स्टोर का एक फॉर्म है ना, एक स्टोर है ना, विच इज़ द फॉर्म ऑफ स्टोर, है ना, वन ऑफ द काइंड ऑफ स्टोर। तो आप इसमें फाइंड आउट कर लेंगे कि जैसे प्रोडक्शन स्टोर कहलाता है, ठीक है, टूल्स स्टोर कहलाता है, सैलरी स्टोर कहलाता है, अगर कोई और दूसरा नाम रहेगा तो अच्छा ये नहीं है, ये स्टोर का फॉर्म नहीं है, है ना। फिजिकल कंसिडरेशन, फिजिकल कंसिडरेशन, फिजिकल कंसिडरेशन क्या है, ये बताता है कि अभी तक हम लोग रखे थे किस तरह का मटेरियल रखना है, लेकिन अब देखेंगे कि उसका साइज क्या है मटेरियल को, है ना, मटेरियल का साइज क्या है। आप सपोज कीजिए हम छोटे छोटे पार्ट्स ला रहे हैं तो एक छोटे से रूम में भी रख देंगे, लेकिन वही इंजन ला रहे हैं, केबिन ला रहे हैं, मतलब एक व्हीकल का केबिन होता है, चेचिस ला रहे हैं, बड़ा बड़ा चीज़ ला रहे हैं, तो क्या उसी में रखाएगा? नहीं, किसी और जगह रखाएगा, क्योंकि उसको फिर हैंडलिंग करने में अलग अलग चाहिए उसका। तो स्टोर का साइज क्या है, इस बेस को मानकर हम जो अलग अलग साथ में कि पॉइंट ऑफ यूजेज से कितनी दूरी पर है, मतलब कि आपका सपोज कीजिए
कि आपका प्रोडक्शन शॉप यहाँ है, एक प्रोडक्शन शॉप है वो यहाँ है, इसमें मटेरियल लगना है जैसे इंजन, और इसका आप बनाए हैं स्टोर यहाँ, तब यहाँ से इंजन उठा के यहाँ ले जाएगा, यहाँ रखेगा, है ना, ये दूरी बढ़ गया। तो आप क्या कोशिश करेंगे, इस जगह रखें इस स्टोर को, ताकि तुरंत इससे हम इसे यूज में कर सके। इससे क्या होगा, ये जो दूरी बचेगा मटेरियल हैंडलिंग का, है ना, मटेरियल को हैंडल करना पड़ता है, यहाँ से ले जाना पड़ता है, रास्ते में गिर भी सकता है, है ना, तो आपका यहाँ पर ज़्यादा यानी चांसेस हैं ख़राब होने के, वेयर एंड टेयर होने के, लेकिन यहाँ कम है। तो इन दो बेस को मानकर अगर हम स्टोर बनाते हैं तो वो कहलाता है फिजिकल कंसिडरेशन के बेस पे स्टोर को बनाना, ठीक है। तो फिजिकल कंसिडरेशन के बेस पे एक होता है सेंट्रल स्टोर, ठीक है, एक होता है सेंट्रल स्टोर, सेंट्रल स्टोर क्या होता है, इसको थोड़ा बाहर के कंसीडर करके देखिएगा, प्राइवेट कंपनियों को भी कंसीडर करके देखिएगा। आप जानते हैं कि एक ही प्राइवेट, जैसे एक मालिक है उसके बहुत सारी कंपनियां होती है, छोटी छोटी कंपनियां भी होती है, एक ही जगह पर भी होती है ना, एक ही जगह पर भी होती है, बहुत सारे अलग अलग भी होते हैं, एक पाइप बना रहा है तो कोई वायर बना रहा है तो कुछ और बना रहा है, इस टाइप का भी होता है। सब चीज़ों को अपना सिर्फ फैक्ट्री का मान के मत चलिएगा, फैक्ट्री से बाहर भी सोचिएगा कि प्राइवेट में ऐसा होता है, क्योंकि क्वेश्चन के जो आपके नेचर हैं वो बदल रहे हैं, है ना, वो बाहर के लेकर भी आ रहा है, सिर्फ आपको फैक्ट्री के बेस पे नहीं पूछता, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका सोच जो अलग होगा, उसका सोच अलग होगा, ठीक है। तो सेंट्रल स्टोर में क्या होता है कि कभी कभी तीन चार फैक्ट्री को मिलाकर एक सेंट्रल स्टोर बनाया जाता है, है ना, और इसमें मटेरियल रखा जाता है, सपोज कीजिए कि इस टाइप का हो, चार पांच फैक्ट्री हैं आपके पास, सपोज कीजिए हमारे शहर में चार फैक्ट्रियां हैं, है ना, अगर उसके लिए एक ऐसा स्टोर बना दिया जाए, अगर ये चारों फैक्ट्रियां लगभग एक समान की चीज़ें बनाती, है ना, और जिसको सबकी सबको एक ही तरह का मटेरियल चाहिए था, तो एक स्टोर बना देते सेंट्रल, क्योंकि हमारा मालिक तो एक ही है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, है ना, मालिक तो एक ही है बोर्ड, तो अगर वो चाहता तो ऐसा बना सकता था, एक सेंट्रल स्टोर बना सकता था, जहाँ पर इस पे सामान रखे, लाए परचेज करके यहाँ लाए, और यहीं से सब ले जाएगा, ये भी ले जाएगा, ये भी ले जाएगा, ये भी ले जाएगा, तो ये फॉर्म कहलाता है सेंट्रल स्टोर। ये स्टोर बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी होता है और हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होता है, लेकिन अंदर में कैसे होता है, बड़े बड़े या तो बाहर में इस तरह से चार पाँच फैक्ट्री के मिला के हो सकता है, या तो जिस फैक्ट्री में, है ना, मल्टी प्लांट सिस्टम है, मतलब एक से अधिक प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, प्लांट हैं, तो वहाँ पर हो सकता है। आप इसको मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर में ये चार प्लांट हैं, प्लांट 1 2 3 4 हमारे यहाँ तो है, है ना, उन सभी में लगभग एक तरह का सामान यूज होने वाला है, अगर हो सकता है चार पाँच आइटम सब तरह का यूज होने वाला है, एक ही सारे जगह बना, तो एक स्टोर हम बना देंगे और वो देखेंगे कि इसकी डिस्टेंस भी देखेंगे कि किस प्लांट में से हमारी दूरी सबसे कम है, जहाँ सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, समझ लीजिए इस प्लांट में सबसे अधिक यूज है इसके मटेरियल का, तो इस स्टोर को हम लोग इस प्लांट के आसपास रखेंगे, है ना, क्योंकि इससे मटेरियल हैंडलिंग हमारा क्या बचेगा, टाइम बचेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही यूज करेगा। तो इस तरह का सेंट्रल स्टोर का सेटअप फैक्ट्री के अंदर में भी होता है, जहाँ पर मल्टी प्लांट सिस्टम होता है, ठीक। अब एक होता है सब स्टोर, क्या होता है सब स्टोर, एसटीआर मतलब स्टोर होता है, ठीक है, सब स्टोर। तो स्टोर मतलब ये आपका प्रोडक्शन शॉप है, प्लांट है, तो इस प्लांट के अंदर भी ना एक स्टोर होता है, जहां पर कि आप मटेरियल ला के रखते हैं। सपोज कीजिए ये सेंट्रल स्टोर है, यहाँ से मटेरियल ला के यहाँ पर रखते हैं हम लोग पहले, उसके बाद इसको यहाँ पर प्रोडक्शन के, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर तब प्रोडक्शन पे इसको जाके दे देते हैं, लेकिन पहले डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं है, लाइन प्रोडक्शन लाइन होता है उसमें थोड़े रखते हैं, पहले जाके स्टोर में रख देते हैं यहाँ पर, तो ये कहलाता है सब स्टोर, ठीक है। एक होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, क्या होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, होता है डिपार्टमेंटल स्टोर। अगर फैक्ट्री में
अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्लांट ही समझिए बना के रखते हैं, जहाँ पर कहीं में कास्टिंग हो रहा है, किसी में फोर्जिंग हो रहा है, किसी में मशीनिंग हो रहा है, किसी में असेंबली हो रहा है, सब में अलग अलग काम होता है ना। तो सब के लिए तब तो अलग अलग स्टोर चाहिए भाई, है ना। कहीं कास्टिंग हो रहा है तो दूसरे में नहीं हो रहा है, तो उसका मटेरियल हम वहाँ कैसे रखेंगे। तब सबके लिए अलग अलग हमें स्टोर बनाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, है ना, जहाँ की अलग अलग प्लांट का सिस्टम है, अलग अलग कामें होती हैं, तो वहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर का प्रोसीजर जो सेटअप है वो यूज करते हैं। एक होता है ग्रुप स्टोर होता है, ठीक है, सेंट्रल स्टोर की तरह ही होता है। ये ग्रुप स्टोर जो है सेंट्रल स्टोर का ही एक फॉर्म है, ज़्यादातर ये प्राइवेट कंपनियों में यूज होता है, कि उसी तरह से अगर एक ही मालिक के बहुत सारे फैक्ट्री हो तो एक जगह बना के रख लिए और वहाँ से उसको आइटम को देते रहे। इससे क्या होता है, उसका जो मैटरिंग हैंडलिंग कॉस्ट है वो कम होता है। कैसे कम होता है, इसको कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, स्टोर कैरिंग कॉस्ट। देखिए स्टोर कैरिंग कॉस्ट क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कि स्टोर कैरिंग कॉस्ट क्या होता है। इस स्टोर को जो मटेरियल हम रख रहे हैं, इसको रखने के लिए हमें मैन पावर चाहिए, इसको प्रॉपर देखभाल करने के लिए मैन पावर चाहिए ना, मैन क्या कहते, इसमें हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इस तरह से हम चार स्टोर बना देंगे तो चार में चार चार स्टाफ लगेंगे, अलग लगेंगे। लेकिन अगर एक ही स्टोर हम बनाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एक जो स्टाफ है, एक ही स्टाफ हो सकता है पूरे स्टोर को देख ले, तो इससे क्या हो गया, हमारा जो मैन पावर है वो कम लगा, तो इससे हमारा रिसोर्सेज बचता है, इससे कैरिंग कॉस्ट जिसको कहते हैं वो कम होता है हमारा, है ना। इसलिए ऐसा ग्रुप स्टोर सेंट्रल स्टोर का प्रोसीजर हम लोग अपनाते हैं, ताकि कि हमें कैरिंग कॉस्ट कम हो जाए। एक होता है ट्रांजिट स्टोर। तो ट्रांजिट स्टोर क्या होता है, जहाँ पर कि मटेरियल को हम लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं ना, ट्रांजिट स्टोर हुआ, साइट स्टोर हुआ। साइट स्टोर क्या जनरली होता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट साइट बन रहा है, है ना, अभी नया कोई फैक्ट्री बन रहा है, तो नया फैक्ट्री बनने के लिए वो उसको क्या करते हैं, पहले नया बनाते हैं, तो उसमें सीमेंट आते हैं, सैंड आते हैं, रेत आते हैं, रॉड्स आते हैं, है ना, स्टील बार जिसको कहते हैं, इन सबको रखने के लिए भी हम लोग स्टोर बनाते हैं, ऐसे लगा देते हैं, क्या छोटा मोटा टेम्परेरी टाइप का बना देते हैं, तो ये साइट स्टोर कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल और इसके बेस पर ना, फिजिकल और फंक्शनल कंसिडरेशन के बेस पे हम लोग स्टोर को डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप में, उसके अनुसार हम लोग स्टोर बनाते हैं। अब स्टोर बिल्डिंग्स, स्टोर बिल्डिंग्स, स्टोर भी स्टोर का बिल्डिंग कैसा होता है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग हो सकता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो सकता है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी हो सकता है भाई, एक सिंगल स्टोरी है ना, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है ये, मल्टी स्टोरी भी हो सकता है ना, दो स्टोर हो सकता है, ऊपर 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 नीचे भी हो सकता है, सिंगल स्टोरी मल्टी स्टोरी। अब होता है टेम्परेरी स्टोर भी होता है, टेम्परेरी स्टोर हट होता है, मूवेबल है ना, जैसे हम लोग जैसे टीन के सेट्स के है ना, जीआई सीट्स के बना देते हैं, ऐसे रॉड डाल के पाइप डालते हैं और इस तरह से शेड बना देते हैं, है ना, ये भी होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग टेम्परेरी स्टोर्स, हट, हट की तरह ये है, झोपड़ी की तरह रहता है, मूवेबल। और एक होता है इमूवेबल, अगर इसी जगह हम ये रॉड हटा के पाइप हटा के अगर ब्रिक्स का वॉल खड़ा कर दिए, टेम्प्रेरी ब्रिक्स का वॉल खड़ा कर दिए, जीआई सीट दे दिए, तो ये हो गया इमूवेबल, कि आप इसको मूव नहीं कर सकते, आपको कैसे इसको ख़त्म करना है, डिमोलिश करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इसे, तो ये होता है इमूवेबल हट्स, ठीक है। एक होता है निशान हट्स, क्या होता है, एक निशान हट्स इस टाइप का होता है, देखिए हमें इस टाइप का होता है, और ये जो ना इस टाइप का है, ये देखिए हमें FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जो
रहता है ना इस तरह लंबा लंबा, और यहाँ पे अंदर में बोरियाँ रखते हैं ना, चावल गेहूँ रखते हैं, तो ये कहलाता है निसान हट्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? निसान हट्स कहते हैं। ज़्यादातर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI उसी का रहता है। और एक होता है रोमन हट्स, ये क्या होता है, इसका जो रूफ होता है ये सेमी सर्कुलर होता है ना, ये रूफ ऐसा होता है जी आई सीट का होता है, सेमी सर्कुलर होता है, लेकिन इसी को अगर हम फ्लैट कर दें इसको कहते हैं रोमन हट्स। क्या हो जाएगा? ये रोमन हट्स, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं। ये हो गया स्टोर की बात है। अब स्टोर में जो भी मटेरियल आता है, स्टोर में जो भी मटेरियल आता है उसका एक कोड होता है ना, एक कोड होता है जिसको कहते हैं LF, लेजर फोलियो नंबर। जो पढ़ते होंगे वो जानते होंगे लेजर फोलियो नंबर। सपोज कीजिए इंजन आया, तो इंजन को एक 10 डिजिट का कोड दिया गया है। कोड क्यों दिया जाता है? सबसे पहला रीज़न है कि कोड किसी का नोमेनक्लेचर। सपोज कीजिए मेरा नाम अनंत है, ढेर सारे अनंत होंगे, लेकिन डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग? मेरा जैसे अनंत कुमार सिंह, तो फिर अनंत कुमार कोई और होगा, मिश्रा, अनंत कुमार तिवारी, इस टाइप और भी होंगे, है ना। लेकिन हो सकता है अनंत कुमार सिंह नहीं, और भी बहुत हो, तो एक्चुअल में नहीं हो पाता है, डिवीजन नहीं हो पाता कि यही है कि वही है ना। तो इसके लिए एक यूनिक कोड देते हैं, है ना। इंजन हो सकता है कि 2 HP का भी हो सकता है, 1 HP का भी हो सकता है ना, दोनों में डिफरेंस है ना। तो इसके लिए हम एक यूनिक कोड देते हैं। यूनिक कोड मतलब उसके अलावा और कोई नहीं कोड। जैसे आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर क्या है? एक यूनिक नंबर है। क्या आपके जो मोबाइल नंबर है वो इंडिया में और किसी के पास है? नहीं है, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर क्या है? यूनिक है। उसी तरह से हर एक मटेरियल को हम लोग यूनिक कोड देते हैं 10 डिजिट का, उसके फिजिकल को, साथ में केमिकल कंपोजिशन को, और क्या मटेरियल है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक 10 डिजिट का कोड बनाते हैं, जिसको कहते हैं LF, लेजर फोलियो नंबर। एक्चुअल में क्या है LF नंबर? कि सपोज कीजिए कि लेजर क्या कहलाता है? लेजर मतलब एक पेज बुक। इस बुक में लिखा है इंजन के बारे में। जैसे इसमें अगर सपोज कीजिए आपका पूरा जन्म स्थान, जन्मपत्री जिसको कहते हैं, वो सब लिखा हुआ है, तो उसका एक नंबर दे दिया। उसी तरह से यहाँ पर इंजन का जो है ना पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है। कौन सा इंजन है ये? सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर ये वाला इंजन है ना, ये इंजन है। कौन सा इंजन है, कितने HP का है, क्या मेक है इसका, क्या इसमें कंपोजिशन है, क्या मटेरियल है इसके अंदर, ये सारा एक हो गया। और इसका पेज नंबर क्या है? सपोज कीजिए पेज नंबर 4 है, तो इसका लेजर हो गया ये, उसका ये फोलियो हो गया, और ये नंबर कितना हो गया? 5। लेजर फोलियो नंबर 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 10 डिजिट का चलाते हैं। क्या चलाते हैं? 10 डिजिट का चलाते हैं डिजिट। तो दिया जाता है लेजर फोलियो नंबर। तो अब लेजर फोलियो नंबर क्या की ऐसे ही दे देंगे? तो एक तरीका होता है ना लेजर फोलियो नंबर को किसी को देने का, किसी के लिए कोड जनरेट करने का, है ना। तो इसको कहते हैं न्यूमेरिकल कोड। एक्चुअली में क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल कोड। तो इसको कैसे यूज करते हैं, इस न्यूमेरिकल कोड को, है ना। ये कोडिंग जो एक्चुअल में होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल कोड होता है। तो DGOF कोडिफिकेशन मैनुअल, DGOF के पास एक मैनुअल है जहाँ पर कोड लिखा हुआ है, उसी के अनुसार होता है। पहले एक वोकैब सिस्टम चलता था, उस वोकैब सिस्टम को रिप्लेस किया गया है। तो ये किसके बेस पर होता है? DGOF कोडिफिकेशन मैनुअल के बेस पर होता है ना। तो एक्चुअल में इसको यूज और इसलिए करते हैं ताकि कंप्यूटर में इजिली प्रोसेस होता है, ADP मशीन में आराम से होता है। कुछ जैसे सामान कोई नया आपके यहाँ आया, उसका एक कोड देना है। सपोज कीजिए कि इंजन आया, 2 HP का आपके यहाँ यूज होता है, और देखिए ये जो है ना सबके लिए जो कोड है, सभी फैक्ट्रियों के लिए समान होता है, सिमिलर होता है।
अचानक 3 HP का आया, 3 HP का आपके पास कभी आया नहीं था मटेरियल, है ना। और उसका क्या रखना है, आपको कोड रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप उसका परमानेंट कोई कोड नहीं रख पाते हैं तो पहले एक 99 सीरीज का कोड रखेंगे, 99 सीरीज का एक कोड रखेंगे, 10 डिजिट बनाएंगे, लेकिन उसके सबसे पहले आप क्या रखेंगे, 99 रख देंगे, 99 आगे रख देंगे, उसके बाद इस तरह से कुछ लिख देंगे, ठीक है। ये 6 महीने तक आप करेंगे, 6 महीने तक इसका लगातार ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इसको एक परमानेंट कोड दे दिया जाए। अगर आप परमानेंट कोड नहीं दे सकते हैं तो इसे रेफ़र किया जाता है बोर्ड में, या तो अभी कहेंगे हेडक्वार्टर में, जहाँ पर MM डिवीज़न है ना, MM डिवीज़न है, मटेरियल मैनेजमेंट डिवीज़न, उसको आप रेफ़र करेंगे कि इस मटेरियल का हम परमानेंट कोड नहीं बना पा रहे हैं, आप बना कर हमें दें, तो वो आपको कोड बना के देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, 99 सीरीज का क्वेश्चन अगर आए तो ये टेम्प्रेरी सीरीज का कोड है 99, ठीक है, उसके बाद कोड बनता है ना। तो जो कोड बनता है उसमें होते हैं इस तरह से, होता है मेजर कोड, माइनर कोड, सेफ, साइज। इस तरह से होता है, 10 डिजिट का होता है ये ना, 10 डिजिट का ही होता है। तो समझ लीजिए यहाँ पर 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट, ये 2 डिजिट है, ये फिर 3 डिजिट, यानी सॉरी गलती कर दी, एक मिनट, रीडू, ठीक है। देखिए 3 3 6 सब मिला के कितना हुआ, 10 डिजिट। तो 10 डिजिट को इस तरह से डिवाइड कीजिए तो उसका पहला जो 2 डिजिट है वो बताता है मेजर कोड को, और तीसरा डिजिट जो फिर उसके बाद होता है वो माइनर कोड को, और उसके बाद सेफ होता है, उसके बाद साइज होता है, ठीक है, ये बताता है। तो इस 10 डिजिट में से जो 0 1 और 39 के बीच में अगर है तो इसका मतलब होता है कि वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। और अगर 42 वो 59 के बीच में है तो इसका मतलब होता है कि वो टूल्स है, ठीक है। अगर वो मेजर कोड में लिखा हुआ है 01 तो आप समझेंगे रॉ मटेरियल है, लिखेगा 02 तो रॉ मटेरियल है, 39 तक है ना, 42 59 टूल्स है। और अगर 62 79 तक कोई नंबर्स लिखा हुआ है मेजर कोड में तो आप इसे समझेंगे कि वो कंपोनेंट है, कंपोनेंट, ठीक है। इस तरह का कोडिफिकेशन होता है, और भी बहुत सारा चीज़ है इसमें कोडिफिकेशन, ठीक है, कि ये मेजर लिस्ट कहाँ दिया हुआ है, माइनर लिस्ट कहाँ दिया हुआ है। तो मेजर लिस्ट आपका जो DGF का कोडिफिकेशन है, एक मैनुअल है ना, उस मैनुअल का अपेंडिक्स ए में है ना। फिर जो आपका माइनर कोड है अपेंडिक्स ए में है, लेकिन सेप और साइज जो है अपेंडिक्स बी में लिखा हुआ है। मेजर कोड में कुछ को ब्लैंक छोड़ा गया है, ब्लैंक छोड़ा इसलिए है कि ताकि कि जो है फ्यूचर में इसका यूज किया जाए, ठीक है। तो ये सभी हैं चीज़ें, इसमें बहुत सारा याद भी करना पड़ेगा आपको, मेजर कोड याद भी करना पड़ेगा। फाइनली एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि अगर एक LF है, इसका नंबर है, LF का नंबर है, सपोज कीजिए 101 27 21 002, सॉरी
कितना डिजिट हुआ, 10 डिजिट हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस 10 डिजिट का क्या मतलब होता है? ये जो 10 है उसमें से एक, उसके बाद 27, 21। देखिए, स्टेन का मतलब होता है केमिकल, केमिकल ठीक है। मेजर कोड में 10 केमिकल, और माइनर कोड में 127 एक साथ है। मैं जो कि अलग लिखने के लिए सिर्फ लिखाया हूँ कि एक साथ नहीं लिख पाएंगे। एक का उस 127 में भी 1 का मतलब होता है पेंट, और 27 का मतलब होता है सिंथेटिक एनिमल। सिंथेटिक एनिमल जानते हैं, एनिमल जो पेंट करते हैं। और ये 21 का मतलब होता है ग्लॉसी, ग्लॉसी पेंट है, चमकदार वाला जो पेंट होता है। और वाइट का, ये 002 का मतलब होता है वाइट। तो देखिए, एक पेंट है जिसका नाम है, वो केमिकल में आता है ना, केमिकल फैमिली का है, और उसका नाम है सिंथेटिक एनिमल ग्लॉसी वाइट, सिंथेटिक एनिमल ग्लॉसी वाइट ठीक है। तो इसके लिए कोड डाल दिए सिर्फ 10127210002। तो कितना इजीली प्रोसेस होगा, कोई भी कंप्यूटर में आप पूरा नहीं लिखना है, आप पूरा लिखेंगे कैसे लिखेंगे, केमिकल पेंट सिंथेटिक ग्लॉसी वाइट। इससे बेहतर है ना आप 10 डिजिट का कोड डाल दिए 10210102102। ईजिली प्रोसेस होगा, कंप्यूटर आपका जल्दी समझ गया इस भाषा को। EDP जो मशीन है, कंप्यूटर EDP कहते हैं उसी को, तो वो जल्दी प्रोसेस करता है इस चीज़ों को, है ना। आपके नाम के अनुसार अगर आपका मोबाइल नंबर बनने लगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आपका है ना एक यूनिक सिर्फ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, तो वो इजीली प्रोसेस होता है ना। तो इसीलिए ये LF नंबर ये सब जनरेट किया जाता है, ये बनाया जाता है, इस तरह से काम चलते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं मटेरियल से रिलेटेड, सारे पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ठीक है। इन सारे को मटेरियल पे ये इसका नंबर, ये जो LF नंबर है ये लिखा रह जाता है, इसी के अनुसार प्रोसेस होता है ठीक है। आज 4 बज गए हैं, ये क्लास ख़त्म करते हैं ठीक है। और आई थिंक ये एक मेरा डेमो क्लास बच रहा था, इसीलिए इसको लास्ट किए थे हम, ये लास्ट क्लास है ठीक है। आज के बाद डेमो नहीं होगा। सर ये कोड कहाँ से मिलेगा, कोड बताइए कहाँ से मिलेगा, ये सारा कोड हम दे देंगे, कोड कहाँ से मिलेगा ठीक है। सारा कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो LF कोड होते हैं हजारों की संख्या में, वो आपको याद नहीं रखना है, आपको मेजर कोड याद रखना है कि किसका किसका मतलब क्या होता है। 15 का मतलब कैसे, 10 का मतलब केमिकल होता है, 15 का क्या मतलब होता है, 25 का मतलब क्या होता है, 35 का मतलब क्या होता है ठीक है। कुछ ब्लैंक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कौन सा कोड इसमें ब्लैंक है, पूछा है क्वेश्चन, तो ये सब तो मैं दे दूँगा, ये सब याद करना आपको ठीक है। तो ये क्लास को ख़त्म करते हैं, आपका कोई अगर क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ है तो बताइए। बोलिए। आप पहले ज्वाइन किए थे सबसे पहले? नहीं नहीं आज ही जो आप शुरू से ज्वाइन थे। अरे तो शुरू में ही तो मैं 10 मिनट वही समझा रहा था कि क्या मैं पढ़ाऊंगा पहले आपको। अच्छा लेट जाएंगे, पहले मैं आपको स्टोव प्रोसीजर पढ़ाऊंगा ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री अकाउंट पढ़ाऊंगा, उसके बाद GK पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा, जो टेक्निकल वाले का नॉन टेक्निकल पार्ट है ना, मैं सिर्फ नॉन टेक्निकल पार्ट पढ़ाऊंगा टेक्निकल वाले का, तो ये तीनों सब्जेक्ट हो जाएगा वो निकल जाएंगे ठीक है, बचेंगे इसमें नॉन टेक्निकल वाले लड़के। तो उसके लिए फिर है, ये ख़त्म होने के बाद फिर मैं लेबर अकाउंट पढ़ाऊंगा, फिर मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, फिर ऑफिस प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। हाँ
एफएसपी और जीके लगभग 45 डेज लगेगा तीनों कंप्लीट होने में। एफएसपी और जीके कंप्लीट होने में 45 डेज लग जाएगा आपको। ठीक, चलिए, आप लोग के पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इस क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ डेमो क्लास। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू, आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं, एग्जिट कर लेंगे। क्लास चालू हो चुकी है वो। हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अभी देना पड़ेगा। हाँ हाँ उसे सेंड करना जो मैंने शेयर किया है। हाँ, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और अभी क्लास, पेड क्लास जो है अभी होने वाला है 4:10 से, है ना। ठीक, ओके ओके, थैंक यू।